नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। इस कहानी के लेखक हैं कासिम अंसारी। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मेरा नाम अमन है, पूरा नाम अमन खान। आज मैं एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन हूँ। मेरी एक खूबसूरत बीवी है, दो छोटे छोटे बच्चे, आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्यारी फैमिली, कंप्लीट फैमिली। आज के ज़माने में जब यह बातें सुनता हूँ कि भूत प्रेत जिन्नात कुछ नहीं होते, तो सुनकर बड़ा अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है, मेरे साथ हुई वह घटना जिससे मैं आज तक भूल नहीं पाया। मेरी उम्र 45 साल है और मेरी शादी 40 साल की उम्र में हुई थी। मैंने शादी इतनी लेट क्यों करी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक घटना। आज भी वह घटना, वह हादसा मेरे दिमाग में है। जब भी रात में मैं सोता हूँ तो हादसा मेरे सपनों में आज भी आता है। आज भी जब मैं किसी सुनसान रास्ते को देखता हूँ, मेरे पूरे जिस्म में सिरहन सी पैदा होने लगती है। आप कह सकते हैं कि मैं पूरी तरीके से डर जाता हूँ। आज भी मैं सुनसान रास्ते पर अकेला नहीं जाता। बात है 1990 की। यह वह दौर है जिसे लोग आज भी याद करते हैं और मैं तो कभी भूल नहीं सकता। मैं अपने घर में इकलौता लड़का था। आप समझ सकते हैं, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद। मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े ही नाज से पाला था। उसका अंजाम ये हुआ कि मैं थोड़ा सा बिगड़ गया, थोड़ा सा शरारती हो गया। 1990 के दौर में शरारती लोगों को बिगड़ा हुआ कहा जाता था। उस वक्त के लोगों का शरारत करने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। हमारे गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था। हमारे अब्बा ने हमें एक साइकिल लाकर दी थी और मैं उसी साइकिल से 5 किलोमीटर का सफ़र करके स्कूल जाया करता था। इम्तिहान सर पर थे और मुझे फर्स्ट आना था। उस वक्त इंटर के बहुत कम लोगों को मार्क्स अच्छे मिला करते थे। हमारे मास्टर जी ने कहा कि हमसे ट्यूशन ले लो, क्योंकि मेरा गणित थोड़ा कमज़ोर था। मगर मास्टर जी का घर और हमारे घर का फासला 10 किलोमीटर का था। हमारे मास्टर जी ने ही ट्यूशन के बारे में हमारे माँ बाप से बात करी और फैसला यह हुआ कि कल से मैं मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाऊंगा। मेरा रोज का मामूल बन गया है, मास्टर जी के घर पर ट्यूशन पढ़ने जाने लगा। मगर जब पहले दिन मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा एक रास्ता जो गांव के दाएं तरफ से जाता है, जंगल का, उस रास्ते से मत जाना कभी। गाँव के लोग वहाँ जाने से कतराते थे। मेरे दिल में यह उत्सुकता पैदा हो गई कि उस सुनसान इलाके में क्या है। मगर मैंने अम्मी की हाँ में हाँ मिलाई, ठीक है अभी मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा, आप जहां से कहोगी मैं वहीं से जाऊंगा। और मैं रोज जाने लगा। मगर दिक्कत यह थी कि इम्तिहान सर पर थे, इसलिए मास्टर साहब बहुत देर तक पढ़ाते थे। आते आते रात हो जाया करती थी। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना उस गांव के दाएं तरफ के रास्ते पर ट्राई मारा जाए, शायद वो रास्ता शॉर्टकट हो। वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं सोचता हूँ कि मुझे उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। जब भी मैं मास्टर जी के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करता था तो हमेशा मेरे दिल में उत्सुकता रहती थी कि आखिर क्यों अम्मी उस रास्ते पर से जाने की मना करती हैं। नौजवानों की उम्र थी। एक दिन घर आते आते मेरे दिल में ख्याल आया कि कल ट्यूशन पढ़ने के लिए जल्दी निकलूँगा और उसी रास्ते से निकलूँगा जहाँ माँ मना करती थी, और मैंने यही किया। दूसरे दिन अपनी सोच के मुताबिक घर से जल्दी निकल गया और गांव के दाहिने तरफ मैंने अपनी साइकिल मोड़ दी, जहां से निकलने के लिए मुझे मना किया गया था। जब उस तरफ मैं चल दिया तो मैंने महसूस किया वहां पर झाड़ियां बहुत हैं, साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने साइकिल पीछे मोड़ दी और सोचा कल कैंची लेकर आऊँगा और झाड़ियाँ काट दूंगा। दूसरे दिन मैंने यही किया, कैंची लेकर निकला। रास्ते में जितनी भी झाड़ियाँ थी उन सबको थोड़ा थोड़ा काटते हुए चला गया। यह देखकर मैं हैरान हो गया कि वहाँ से मास्टर जी के घर का रास्ता बहुत कम था, तकरीबन मुझे 2 घंटे लगते थे, और झाड़ी वाले रास्ते से मैं 1/2 घंटे में वहाँ पर पहुँच गया। मैंने सोचा बेकार ही माँ परेशान हो रही थी, यहाँ से तो मैं जल्दी आ गया।
मैंने सोचा गांव के लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, वह यहां आने से बेवजह डरते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, वहां पर सीधा रास्ता था। मास्टर जी मुझे देखकर चौंक गए और बोले, अमन आज तुम जल्दी कैसे आ गए? मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं आज घर से जल्दी निकल आया था। फिर मेरा रोज का मामूल हो गया, मैं उसी रास्ते से जाने लगा। अब तो मुझे वहां से जाते हुए मजा आने लगा था। गाना गाते हुए अपनी धुन में बहुत तेजी से साइकिल चलाता हुआ चुपचाप निकल जाता। मगर एक रोज की बात है, उस दिन गर्मी बहुत तेज थी और मैं उसी रास्ते से निकल कर जा रहा था। प्यास बहुत तेज लग रही थी मगर पानी नहीं था, ऊपर से गर्मी बहुत लग रही थी। एक तरफ मैंने एक पेड़ देखा, सोचा कि थोड़ा सुस्ता लूं। एक पेड़ के नीचे मैं आराम से बैठ गया। मैंने सोचा जल्दी पहुंच ही जाता हूं, कौन सा मास्टर जी शक करेंगे। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और मैं बैठा यही सोच रहा था कि काश पानी मिल जाए। अचानक मेरी निगाह एक और चली गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा था उसके ठीक सामने एक घर बना हुआ था, बहुत पुराना सा। मैंने सोचा इतने दिन से यहाँ आ रहा हूँ, मुझे घर पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कि शायद मेरा ध्यान ना गया हो। जब घर देखा तो दिल में और उत्सुकता पैदा हो गई। क्या इस सुनसान इलाके में रहता कौन है? शायद कोई फैमिली हो, शायद कोई और हो हमारे ही गाँव का। अगर कोई लड़का होगा तो उससे दोस्ती हो जाए। यह सोचकर ही मेरे कदम घर की तरफ मुड़ गई। मुझे पता ही नहीं चला, घर के दरवाजे पर जब मैं पहुंचा तो थोड़ा नर्वस हो गया। सोचा हो सकता है कि उस घर में कोई हो ही ना। सोचा कि शायद उस घर में कोई लड़की वगैरह होगी और उसके अब्बा काम पर गए होंगे। अगर आ गए होंगे तो मुझे देखकर क्या सोचेंगे। फिर सोचा प्यास तो बहुत तेज लगी है, कोई भी हो क्यों ना पानी मांग लिया जाए। यह सोच ही रहा था कि ऐसा लगा जैसे कि मेरे पास से कोई बहुत तेजी से निकला हो, क्योंकि मैं सोच में था। उसके अचानक से निकल जाने से मैं बुरी तरह से डर गया। जब मैंने देखा तो वह सिर्फ एक बिल्ली थी, जो दरवाजे के पास छोटी सी खिड़की लगी थी जो टूटी हुई सी थी, उसमें अंदर घुस गई। फिर मुझे अपने आप पर हंसी आ गई, वाह रे अमन, बिल्ली से डर गया। हिम्मत करके मैंने वह दरवाजा खटखटाया पर कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने आवाज लगाई, घर में कोई है जो मुझे एक गिलास पानी पिला दे, ये बहुत तेजी से प्यास लगी है। और जो आवाज आई तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, वह बहुत ही सुरीली किसी लड़की की आवाज थी। उसने कहा, घर में कोई नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं जवान था। लड़की की आवाज सुनकर और उत्सुकता पैदा हो गई, शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। मैंने फिर आवाज लगाई कि मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिला दे, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर बाद उसकी आवाज आई, रुकिए मैं आपको पानी पिलाती हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाजा हल्का सा खुला और एक बहुत खूबसूरत से हाथ गिलास लिए हुए मेरे सामने हाजिर थे। उसने चेहरा नहीं दिखाया था। मैंने गिलास ले लिया और पी लिया। मेरी हैरत का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसने मुझे जो पिलाया था वह पानी नहीं, वह एक बहुत ही ठंडा दूध था। दूध पीकर ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, एक सेकंड में गर्मी का एहसास खत्म हो गया। ऐसा लगा जैसे मानो गर्मी थी ही नहीं और मेरे गले में एक ठंडक से उतर गई। समझ नहीं आता वह आखिर था क्या, दूध था कि पानी, पर जो भी था बहुत ही लजीज था। मेरी थकान सब एक मिनट में दूर हो गई। मैंने वह गिलास उसको दे दिया। अब मेरा बात करने का मूड हो रहा था। मैंने बड़ी हिम्मत करके पूछा कि आपका नाम क्या है। उस लड़की की आवाज आई कि मेरा नाम मरियम है और मेरे अब्बा काम पर गए हैं, मैं घर पर अकेली हूँ। मेरे अब्बा ने मुझे मना किया हुआ है कि जब तक घर वापस ना आ जाएं किसी अजनबी से ना मिलो। मैंने पूछा उससे कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है क्या? तो उसने कहा, नहीं, मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ कुछ साल पहले ही अब इस दुनिया से चल बसी, सिर्फ मेरे अब्बा हैं। अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मेरे अब्बा का आने का टाइम हो गया है। वह दोपहर के वक्त खाना खाने के लिए आते हैं, तुम्हें देख लेंगे तो कयामत आ जाएगी। मैंने उसको शुक्रिया कहा और वहाँ से चल दिया और रास्ते भर उसकी आवाज़ को ही सोचता रहा कि जिसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत होगी तो उसका चेहरा कितना दिलकश होगा। पता नहीं दिल में कौन कौन से ख्याल आते रहे। फिर सोचा कि काश उस लड़की से मेरी दोस्ती हो जाए। यह सोच सोच के कब मास्टर जी का घर आ गया
मुझे पता ही नहीं चला। उस दिन पढ़ने में मन ही नहीं लगा। वापसी आते वक्त मैं सोचा कि एक बार शायद उससे और मिलूं, फिर सोचा कि नहीं कल मिलूंगा, क्योंकि वापसी में अक्सर शाम हो जाया करती थी। रात भर मेरे ख्वाब में सिर्फ उसी की ही आवाज़ गूंजती रही। ऊपर से दिल में यह ख्याल भी आता कि आखिर इतने सुनसान इलाके में वह घर मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई दिया। आखिर वह लोग अकेले सुनसान इलाके में क्यों रहते हैं, क्या वजह रही होगी। यह सोच सोच कर ही मैं नींद की वादियों में कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली, मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही आवाज़ बसी हुई थी, और दिल एक ही बात सोच रहा था कि उस लड़की का चेहरा कैसा होगा। पर पता नहीं क्यों मैं अपने अंदर एक ताकत सी महसूस कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने बहुत सारी ताकत मेरे बदन में डाल दी हो। सच बात तो यह है कि मैं यही सोच रहा था कि जब से मैंने वह दूध पिया है, मुझ में एक अजीब सा सुरूर और ताकत का एहसास हो रहा था। यह बातें मेरी समझ से बाहर थी। मैं बस उस लड़की का चेहरा देखना चाहता था। सच कहूँ तो दिल ही दिल में पता नहीं कौन कौन से सपने सजा दिए थे मैंने, और अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर दिया था। फिर मैंने यही सोचा कि पहले उस लड़की को देख तो लूँ, अभी तो सिर्फ आवाज़ सुनी है, पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। चलो आज फिर चलकर देखते हैं। यही सोचकर भी मन से मैं कॉलेज गया, और वहां पर पढ़ाई में मेरा मन भी नहीं कर रहा था। मैं तो बस इंतजार कर रहा था कि कब ट्यूशन जाने का टाइम हो, फिर मैं उसी घर पर जाऊं। और वह वक्त आ गया। इस बार मैं थोड़ा सा तैयार हो गया और अम्मी से कहकर ट्यूशन चला गया। अपनी ही धुन में मैं साइकिल चलाता हुआ मैं उसी रास्ते पर फिर से चल दिया। फिर उस पेड़ के नीचे बैठ गया और सामने वाले मकान को देखने लगा। इस बार पता नहीं हिम्मत मेरे अंदर कहाँ से आ गई। हालांकि यह हिम्मत कल मेरे अंदर नहीं थी। मेरे कदम खुद ब खुद उस मकान की तरफ बढ़ गए। इस बार मैंने फिर वही आवाज़ लगाई, कोई है घर में? अरे कोई है घर में? घर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं बड़ा हैरान था कि कल जब मैंने इसी वक्त आवाज़ लगाई थी वहाँ पर एक लड़की थी, पर सोचा शायद वह आज नहीं हो। फिर यह सोचा कि आज बाहर गई हो तो इतने में मेरी फिर से एक बार रूह कांप गई। मैंने देखा जैसे मेरे बगल से कोई निकला हो। जब मैंने उसको देखा तो वही कल वाली काली बिल्ली थी जो मुझे बहुत घूर कर देख रही थी। उसकी आंखें देखकर मैं हैरान रह गया। वह बिल्ली काली जरूर थी, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। उसने मुझे घूर कर देखा और फिर छलांग लगाकर अंदर की तरफ चली गई, और मेरी सांस में सांस आई। समझ में नहीं आया कि आखिर यह बिल्ली इतनी स्पीड से ही क्यों मेरे पास आती है और उस खिड़की की तरफ चली जाती है। क्या बिल्ली की कोई टाइमिंग है? लेकिन ये सारे ख्याल बेफिजूल थे। मैंने फिर आवाज़ लगाई, अरे कोई घर में है? कोई है? कि तभी फिर से उसी लड़की की आवाज़ आई जो कल थी। जी मैं हूँ। मैंने उससे पूछा कि मुझे प्यास लगी है। उसने कहा ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और वह एक गिलास में पानी लेकर आ गई। मगर इस बार घटना थोड़ी अलग हुई। इस बार भी उसके हाथ में दूध ही था, मगर दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और वह मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैंने गिलास से दूध पिया और मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में क्या तुम्हारे अब्बा नहीं हैं? इस पर उसने कहा नहीं। फिर उसने कहा, यह बात क्यों पूछ रहे हो? मैंने उससे कहा कि बस मैं उनसे मिलना चाहता था। उसने कहा कि मेरे अब्बा किसी से नहीं मिलते, उनकी दुश्मनी बहुत है, इसलिए हम सुनसान इलाके में रहते हैं, मेरे अब्बा की किसी से नहीं बनती। मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक ऊँचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, पर पता नहीं क्यों जब भी यह मकान देखता हूँ और आपकी आवाज़ सुनता हूँ, मेरे कदम खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। यह सुनकर वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मुझे याद है ब्लैक कलर का सलवार और कमीज पहनी हुई थी, उसके बाल खुले हुए थे और बहुत ही लंबे लंबे और घने थे। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, पलकें बहुत घनी, और उसका दुपट्टा उसके कंधों से नीचे था। उसको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि वह इस दुनिया की है ही नहीं। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। यूं लगा जैसे कि वह किसी और ग्रह से आई हो। उसको देखते ही मेरी जुबान से यह निकल गया कि बचपन में परियों की कहानी सुना करता था, लेकिन आज आपको देखकर मुझे एहसास हुआ कि परी जैसी भी होती होगी पर यकीन मानो आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती होगी।
मुझ में यह बोलने की हिम्मत कहाँ से आई, मैं खुद पर हैरान था। यह सुनकर वह खिलखिलाकर हंस दी और मैं हैरान रह गया। मुझे लगा शायद वह मेरे इस बात से नाराज हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर वह बोली, तुम सोच रहे होगे कि मैं इतनी जल्दी तुमसे बेतकल्लुफ क्यों हो गई। ऐसा इसलिए है कि मैं अकेले घर में रहकर बोर हो गई हूँ। ना तो मेरा कोई दोस्त है, ना मेरी कोई सहेली है, ना हमारा कोई आस पड़ोस है, और मैं बेवकूफ उसकी बातें सुनकर यह अंदाजा भी नहीं लगा सका कि इतने सुनसान इलाके में यह लड़की यहाँ अकेली रहती है और यह बोल रही है कि इसका कोई दोस्त नहीं है। यह सही बोल रही है। सच तो यह है कि मैंने दिल में उसी वक्त यह फैसला कर लिया था कि अगर मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा, वरना मैं सारी जिंदगी कुंवारा रहूँगा। मैंने उससे कहा कि हम फिर मिल सकते हैं। उसने कहा कि हाँ मिल सकते हैं, कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम इसी वक्त मुझसे मिलने आया करोगे, शाम को या सुबह कभी मुझसे मिलने नहीं आओगे। मैंने उससे वजह पूछी तो उसने फिर से वही वजह बता दी कि उसके अब्बा हैं, वह यह सब पसंद नहीं करते और यह सब देखकर बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं उसको देखकर उसकी मोहब्बत में इस कदर दीवाना हो चुका था कि उसकी हर बात मानने को तैयार था। धीरे धीरे करके सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और इसी तरह हमें मिलते हुए एक महीने का वक्त हो गया। और इसे एक महीने के वक्त में हम दुनिया जहान की बातें करते हैं। वह मुझसे शहरों के बारे में पूछती, गाँव के बारे में पूछती। वह मुझसे पूछा करती थी कि गाँव के लोग कैसे होते हैं, और मैं बताता रहता था, क्योंकि उसका कहना था कि वह कभी गाँव या शहर कभी गई नहीं, वहाँ से बाहर निकलने ही नहीं दिया उसके अब्बा ने कभी। और मैं उसकी हर बात को सही समझता था, उससे मोहब्बत जो करने लगा था, और उसे यही कहता था कि चलो मैं तुम्हें गांव दिखाता हूँ, मगर वह अक्सर मना कर देती थी कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। एक दिन मैंने फैसला किया कि आज मैं उसे अपने दिल की बात करके ही रहूँगा। उस दिन मैंने उसे साफ तौर पर कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उसने कहा कि मैं इसका जवाब कल दूंगी। फिर से मुझे कल का इंतजार था, लेकिन हमेशा मैंने एक बात पर गौर किया था कि इस एक महीने में मैं कभी भी उससे मिलने गया हूँ और मैंने कभी भी आवाज़ लगाई तो उसकी एक बार में आवाज़ कभी नहीं आई, और हमेशा वह बिल्ली मेरे पास से गुजरती थी और हमेशा उस खिड़की के पास से अंदर चली जाती। उसके बाद मरियम की आवाज़ आती, लेकिन जब मैं उसका चेहरा देखता तो यह पूछना भूल जाता कि आखिरी है माजरा क्या है। फिर मैं दूसरे दिन में अपने वादे के मुताबिक फिर उसके घर गया, लेकिन ना तो वहाँ पर मुझे मरियम मिली और ना वह बिल्ली। मैंने बहुत आवाज़ लगाई, मगर कोई भी आवाज़ नहीं आई सिवाय सन्नाटे के अलावा। दो तीन दिन इसी में गुजर गए। मैं रोज वहाँ पर जाता और आवाज़ लगा लगा कर थक जाता, मगर वहाँ सन्नाटा और हवा की साई साई के अलावा मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। मैं मरियम से बहुत मोहब्बत करने लगा था। फिर मुझे लगा कि कहीं उसके अब्बा को हमारे मिलने की भनक तो नहीं लग गई और वह मरियम को यहाँ से दूर तो नहीं ले गए, लेकिन दिल इस बात को मानने से इनकार कर रहा था, मोहब्बत जो हो गई थी उससे। इसी बीच में इम्तिहान आ गए और मैं उसी में बिजी हो गया, और कुछ दिनों के बाद मेरा रिजल्ट आया। मेरी उम्मीद के मुताबिक मैं फर्स्ट आया था। मेरे मास्टर जी बधाई देने मेरे घर पर आए थे और उन्होंने मेरी बहुत तारीफ करी और कहा मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है, मेरे नंबर बहुत अच्छे आए हैं, मेरा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया जाए, किसी शहर के बहुत ही अच्छे कॉलेज में। अब घर वालों ने मेरे ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, मगर मैं मरियम से नहीं मिला था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहाँ खो गई, जमीन निगल गई या फिर आसमान ने खा लिया। और एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस वक्त में जाऊँगा जिस वक्त उसने मुझसे आने से मना किया था, और अगर उसके अब्बा मुझे मिल गए तो मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा कि मैं मरियम से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बहुत शरीफ खानदान का लड़का हूँ। वह मुझे अपनी लड़की का हाथ दे दें, मेरे दिल से सारे खौफ मिट गए थे। पता नहीं मैं इतना निडर कैसे हो गया। मैंने पूरी तरह से फैसला कर लिया कि अगर उसके अब्बा मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे बात करूँगा, क्योंकि मैं मरियम से बहुत मोहब्बत करता था और ना उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था।
मैं उसके बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता था। और फिर मैं उसी वक्त उसके घर पहुंच गया जिस वक्त मैं आने के लिए उसने मना किया था। मैं सुबह 10 बजे तैयार होकर फिर से गांव के रास्ते के दाहिनी तरफ जंगल की तरफ मुड़ गया जहां पर मेरी मोहब्बत मरियम थी। और जब गया तो तब मैंने देखा कि वही बिल्ली उसी दरवाजे के पास बैठी हुई थी, ऐसे जैसे कि किसी का इंतजार कर रही थी। जैसे उसी बिल्ली ने मुझे देखा वो खड़ी हो गई और खड़े होकर पता नहीं क्यों वह मुझे बड़े प्यार से देखने लगी। मैंने उस बिल्ली को बड़े गौर से देखा, खास तौर पर उसकी आंखें। इस बार पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक दिलचस्पी पैदा हो गई थी। मैंने सोचा कि अगर मरियम से मुलाकात आज हो गई तो मैं उससे जरूर पूछ लूंगा कि क्या यह बिल्ली तुम्हारी पालतू है। वह बिल्ली मुझे बड़े ही प्यार से देखे जा रही थी, या यूं समझे कि वह मुझे निहार रही थी। मगर जैसे ही मैंने उसकी आंखों की तरफ देखना शुरू किया, मतलब कुछ तो प्यार से देखना शुरू किया, तो उसने फिर से छलांग लगाई उसी खिड़की की तरफ और वह अंदर की तरफ भाग गई। यह देखकर मुझे बड़ी हैरत थी। फिर वही हुआ हमेशा के मालूम के मुताबिक, बिल्ली खिड़की के अंदर गई फिर वापस नहीं आई। मैंने दरवाजा खटखटाया, फिर से मरियम की आवाज आई, आती हूँ। पर आते आते उसने कहा कि मैंने तुमसे मना किया था ना अमन इस वक्त आने के लिए। मैंने देखा कि मरियम बहुत घबराई हुई थी। मैंने पूछा, क्या बात है मरियम, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसने कहा, मैंने तुमसे मना किया था इस वक्त आने के लिए। तुम्हें पता है ना मेरे अब्बा इस वक्त मौजूद होते हैं, वह अभी अभी बाहर निकले हैं और थोड़ी ही देर बाद आते ही होंगे। अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया, यकीन मानो कयामत आ जाएगी। मेरे अब्बा बहुत ही जालिम हैं। मैंने भी बड़ी दिलेरी से कहा कि मैं आज मामला आर पार करने को ही आया हूँ। तुम्हारे अब्बा कितने ही जालिम क्यों ना हो, पर मेरी मोहब्बत तुमसे सच्ची है और मैं हर बड़े से बड़े खतरे लेने को तैयार हूँ। और यह बात सच थी कि मैं उसके लिए कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो लेने के लिए तैयार था। मैंने उससे कहा, मरियम मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारा जवाब लेने के लिए आया हूँ। तुम इतने दिन नहीं थी, तुम सोच नहीं सकती कि मेरे दिल में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। तुमने मुझे बुलाया था, मगर मैं बहुत बार तुम्हारे घर पर आया मगर तुम नहीं मिली। अब मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हारा जवाब सुने बगैर मैं कैसे जाऊँगा? और सच तो यह है कि मैं तुमसे शादी किए बगैर नहीं जाऊँगा, तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। मरियम मैं तुमसे दीवानों की तरह प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उस वक्त वो वाकई डरी हुई थी। क्या वजह थी उस वक्त मैंने ना उससे पूछा और ना उसने मुझे बताया, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने जवाब का इंतजार था। इस डर के माहौल में भी वह मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट इतनी कातिल थी कि कोई उसकी मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसने कहा, मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ अमन। अगर यूं कहूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत तुमसे ज्यादा करती हूँ तो यह गलत नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें कल दोपहर के वक्त मिलूंगी। मैंने मरियम से कहा कि इससे पहले भी तुमने यही कहा था। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वादा करती हूँ कल तुम 2 बजे के वक्त यहाँ पर आना, मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं अमन। मैंने कहा, कौन सी शर्तें? उसने कहा, इस बारे में हम कल बात करेंगे। कल तुम 2 बजे दोपहर के वक्त यहाँ पर आना, अभी यहाँ से चले जाओ। मैंने उससे फिर कहा, क्या वाकई तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरा जवाब हाँ है। हम इस बारे में कल और तफसील से बात करेंगे, अभी तुम यहाँ से जाओ, अभी तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी शर्तें क्या हैं? उसने कहा, हम सारी बातें कल करेंगे, मैं अपनी शर्तें भी कल ही बताऊंगी और अपनी ज़िंदगी के बारे में भी तुम्हें कल ही बताऊंगी। मैंने उससे कहा, मुझे कल का इंतजार रहेगा। और वाकई मुझे कल का इंतजार बड़ी बेसब्री से था। उसकी बात सुनकर मैं वहाँ से चला आया और घर पर जाकर चुपचाप लेट गया। अब मेरे दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि अभी तक मरियम के बारे में मैंने किसी से भी जिक्र नहीं किया था। मैं अपने घर वालों को शादी के लिए कैसे राजी करूँगा? मैं अपने दिमाग में बहुत से बहाने तलाश करने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे घर वाले इतनी आसानी से मेरी बात को नहीं मानेंगे। क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा था, ना मेरी नौकरी थी ना ही मेरी कमाई, और इस साल मैंने इंटर पास ही किया था। अब मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, क्या मेरे घर वाले मेरी बात को मानेंगे? यही सारी बातें सोच सोच कर मैं बहुत दूर निकल गया अपनी ही सोच में।
फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पता नहीं मेरे अंदर हिम्मत कहाँ से आ गई। मैं अपनी सोच पर खुद हैरान था। पता नहीं कैसे मुझ में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया था कि मैं अपने घर वालों को मना लूँगा। फिर मैं मरियम के बारे में सोचने लगा कि पता नहीं उसकी क्या शर्तें होंगी। फिर मैं उसके अब्बा के बारे में सोचने लगा, क्योंकि अभी तक मरियम ने यही बताया था कि उसके अब्बा काम पर चले जाते हैं और वह हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे। पर दिल से हकीकत में मैं उसके अब्बा को मिलना चाहता था, लेकिन मैंने आज तक वहाँ पर उसके अब्बा को नहीं देखा। कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल भी आता था कि मरियम सच भी बोल रही है या फिर झूठ, पता नहीं उसके अब्बा है भी या नहीं। लेकिन मैं उसका इस कदर दीवाना हो गया था कि उसकी हर बात पर यकीन करने को दिल करता था। यही सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। रात भर मुझे मरियम के ही ख्वाब आते रहे और दूसरे दिन वादे के मुताबिक मैं उसके घर पर चला गया। फिर मैंने उसके दरवाजे पर आवाज लगाई, लेकिन फिर से वहां से कोई आवाज नहीं आई। और फिर वही घटना हुई जो उसके घर पर जाकर बार बार मेरे साथ होती थी। वही बिल्ली दोबारा मेरे सामने थी और मुझको प्यार से देखने लगी। और फिर वही उसने हरकत की, खिड़की पर कूदी और अंदर चली गई। फिर मैंने मरियम को आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया, फिर उसकी आवाज आई, रुको अमन मैं आती हूँ। जब उसने दरवाजा खोला उस वक्त भी वो काले कपड़े ही पहने हुई थी। मैं बता नहीं सकता कि वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मेरे साथ जाने को तैयार थी। मैंने मजाक में उससे पूछ लिया, क्या बात है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम पूरी तैयारी के साथ बैठी हो। हाँ तुमने सही कहा, मैं वाकई तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार बैठी हूँ। चलो आज थोड़ी दूर चलते चलते बातें करते हैं। आज उसने पहली बार मुझसे यह बात कही थी। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैं दिल ही दिल में खुश था। मैंने उससे पूछा कि बताओ मरियम तुम्हारी शर्तें क्या हैं। मेरी शर्तें यह हैं कि तुम मेरे घर वाले मेरे खानदान वालों के बारे में कभी नहीं पूछोगे। यह सुनकर मुझे झटका लगा। मैंने कहा, मरियम जब मैं अपने घर वालों को तुमसे मिलवाऊंगा तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, उनसे क्या कहूंगा कि वह तो मुझसे जरूर पूछेंगे तुम्हारे वालिद का नाम, तुम्हारी माँ का नाम, तुम्हारे खानदान का नाम, तुम्हारा घर, तुम्हारा पता। उसने साफ शब्दों में कहा कि शर्तें यही हैं। नंबर एक, ना तो तुम कभी मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछोगे, ना खानदान वालों के बारे में। तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बोलो करते हो कि नहीं। मैंने कहा, क्यों नहीं, क्या तुम्हें इस पर कोई शक है। नहीं, शक नहीं है, मुझे तुम पर पूरा एतबार है। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि ना ही तुम अपने घर वालों को यह बताओगे कि मैं कहाँ रहती हूँ। क्योंकि अगर तुम अपने घर वालों को यह बताओगे कि मैं इस सुनसान इलाके में रहती हूँ अपने अब्बा के साथ, तो वह हम दोनों को अपनाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। अमन, यह सब तुम्हें करना है, कैसे करना है वह तुम जानो, कौन सा बहाना बनाना है वह तुम जानो। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूं। उसकी बात सुनकर मैं बहुत सोच में पड़ गया, क्योंकि मेरे सामने एक ही मिशन था, अपने घर वालों को शादी के लिए तैयार कैसे करना है। ऐसा कौन सा बहाना बनाऊंगी जिससे मेरे घर वाले मरियम को अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने उससे कहा, तो क्या तुम मेरे साथ भागकर चलोगी, क्या तुम अपने अब्बा को नहीं बताओगी। यह सुनकर मैंने उसके चेहरे पर एक डर की लहर देखी। उसने कहा, सोचना भी नहीं अमन, अगर मेरे अब्बा को पता लग गया तो वह मुझे भी मार देंगे और साथ में तुम्हें भी। मैंने उनसे कहा कि एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलेगा ही। उसने कहा, वह तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। और मेरी सबसे अहम शर्त यह है कि शादी होने के बाद तुम इस जंगल की तरफ कभी भी नहीं आओगी, मुझसे वादा करो यहाँ कभी भी नहीं आओगी। पर जवान मेरी मेरा साथ नहीं दे रही थी, मानो किसी ने अंदर से रोक लिया हो। और एक ताकत का एहसास जो मेरे अंदर पहले दिन से था, मुझे ही कह रहा था कि मैं यह सब कुछ कर लूंगा। उसने कहा, अमन मैं तुम्हें एक हफ्ते का वक्त देती हूँ, एक हफ्ते के बाद तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, एक हफ्ता बहुत है, तुम्हें अपने घर वालों को एक हफ्ते के अंदर राजी करना होगा। मैंने कहा, ठीक है। हालांकि दिल में बहुत सवाल थे, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि एक बार बस मेरे घर वाले तैयार हो जाएं शादी के लिए, उसके बाद मेरे दिल में जो भी सवाल होंगे मैं मरियम से पूछ लूंगा, क्योंकि फिर वह मेरी बीवी बन जाएगी और बीवी अपने शौहर से कुछ नहीं छुपाती। मैं बस किसी भी हद तक उसको पाने के लिए तैयार था,
मैं दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं मरियम को एक हफ्ते के अंदर ले जाकर रहूँगा और उसको अपनी बीवी बनाकर रहूँगा और उसको अपनी बीवी बनाऊँगा। मैंने उससे कहा, ठीक है, अब मैं एक हफ्ते के बाद ही तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तो उसने कहा, ठीक है, मगर एक बात का खास ख्याल रखना, जब तुम मुझे लेने के लिए आना इस बार रात को ही आना। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे अब्बा तो रात में रहते हैं, तुमने कहा तो था। उसने कहा कि मैं कुछ सोच समझकर ही कह रही हूँ, एक हफ्ते बाद अब्बा 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। फिर मैंने उससे कहा कि फिर दिन में क्यों नहीं। उसने कहा, मैंने कहा था ना अमन कि ज़्यादा सवाल जवाब नहीं, अभी मत पूछो, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी, मगर अभी नहीं। लेकिन उन सवालों के जवाब कभी नहीं दूंगी जिनके बारे में मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जो मेरी शर्त थी, तुम कभी नहीं पूछोगे मेरे बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में, मेरे मांझी के बारे में। मैंने कहा, हाँ ठीक है। उसने कहा कि तुम रात को 10 बजे के बाद आ जाना, मैं दरवाजे पर तैयार मिलूंगी। और यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, आज उसने पहली बार मुझे छुआ था और मैंने पहली बार उसके स्पर्श को महसूस किया था। जैसे ही उसने मुझे छुआ, पता नहीं मुझे क्या हुआ, बदन में एक अजीब सी खुशनुमा की लहर दौड़ गई और मैं उससे कहने लगा कि मरियम तुम फिक्र मत करो, मैं एक हफ्ते के बाद हर हाल में तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। तो उसने मुझसे वादा लिया कि मैं एक हफ्ते के बाद आकर उसको ले जाऊँगा और मैं उससे वादा करके वहाँ से चला आया। अब मेरा सिर्फ यही काम था कि केस एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने घर वालों को राजी करूँगा। अब मैं अपने घर वालों को राजी करने के लिए कोई बहाना तलाशने लगा, कोई ऐसा झूठ जो मेरे घर वालों को सच लगे। और सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक प्लान आया और मैंने उस प्लान को बहुत ही गहराई से सोचा और फिर एक मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर दौड़ गई। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि यह प्लान काम करेगा। अब मैं बेफिक्र हो गया थोड़ा सा, अब बस मुझे इस प्लान पर अमल करना था। फिर मैंने फैसला किया कि कल मैं अपने इस प्लान को अंजाम दूंगा। सबसे पहले मैं अपनी अम्मी से बात करूंगा क्योंकि मेरी अम्मी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। अगर अम्मी को राजी कर लिया तो समझ लो अब्बा को भी राजी कर लिया, क्योंकि मेरे अब्बा बहुत ही सीधे साधे थे और अम्मी की हर बात मानते थे। यह सारी बातें सोचते सोचते फिर रात हो गई और यही सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह फिर मेरी आँख खुली और मैं सोच रहा था कि जो मैंने प्लान बनाया है उस पर अमल कैसे करा जाए, शुरुआत कहाँ से की जाए। फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया जो मैंने कल सोचा था कि शुरुआत माँ से की जाए। फिर मैं अपने प्लान के मुताबिक अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से कहा कि मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं उन्हें अकेले में ले गया और मैंने अपनी शक्ल बहुत ही डरी हुई बना ली। मेरी माँ मुझे देखकर घबरा गई और वह बोली, क्या बात है अमन, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, खैरियत तो है ना, इम्तिहान में तो तुम अव्वल आए हो और तुम्हारी छुट्टियां भी चल रही हैं, क्या बात है। मैं देख रही हूँ बहुत वक्त से तुम कुछ खोए खोए से रहते हो। और उसी वक्त मेरे दिल में यह ख्याल आया कि माँ सही कह रही थी, जब से मेरी मुलाकात मरियम से हुई थी तब से मैं अपना वक्त अपने घर में बहुत कम बिताता था, पहले की तरह नहीं बिताता था, मैं अपनी ही दुनिया में मगन था। यह सोचने का वक्त ही नहीं रहा कि मेरे घर वाले भी मेरी हालत को नोटिस कर रहे हैं। पर माँ के यह कहने पर मुझे फायदा ही मिलने वाला था। मैंने अपनी माँ से कहा कि एक बहुत बड़ी परेशानी है, मैं बहुत वक्त से आपको बताने की सोच रहा हूँ मगर हिम्मत नहीं कर पा रहा था, पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचें। मेरी माँ ने कहा, कैसी बातें करता है बेटा, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता, हमने तेरी परवरिश अच्छे से की है, मुझे अपने परवरिश पर पूरा यकीन है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरे दूसरे गांव में एक दोस्त है जो हमारे गांव के करीब ही है, उसकी एक बहन है और माँ बाप हैं और अच्छी खासी जमीन है, मगर उसकी रंजिश गांव के ही चौधरी से चल रही है, उसकी जमीनों पर उस गांव के चौधरी की नीयत खराब है और कुछ दिनों पहले ही उस चौधरी ने मेरे दोस्त के बाप को गोली मार दी और यह सदमा मेरे दोस्त की माँ बर्दाश्त ना कर सकी, वह भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब मेरा दोस्त और उसकी बहन ही बची है, मगर अब उनकी भी जान खतरे में है, मेरा दोस्त और उसकी बहन अपने घर से दूर कहीं छुप कर रह रहे हैं दूसरे गांव में, और चौधरी की पहुंच अच्छी खासी है, पुलिस भी उससे मिली हुई है। मेरा दोस्त बहुत परेशान है, वह इस गांव से कुछ सालों के लिए दूर चले जाना चाहता है, मगर वह ज़्यादा परेशान अपनी बहन की वजह से है क्योंकि उसकी बहन बहुत खूबसूरत है
और चौधरी की उसकी बहन पर नीयत खराब है। मेरे दोस्त का मुझसे कहना था कि वह अपनी बहन को मेरे घर में कुछ दिनों के लिए रख सकता है। मैं यही सोच सोच के परेशान हो रहा था। मेरी माँ मेरी बातें बहुत गौर से सुन रही थी। उसे मुझ पर बहुत भरोसा था। उन्होंने मुझसे कहा कि यह भी कोई कहने की बात है, क्यों नहीं, बेटी की इज्जत का मामला है और फिर एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। तुम अपने दोस्त को और उसकी बहन को यहाँ बुला लो, हम इसी गांव में तुम्हारे अब्बा से कहकर उसका फैसला करा देंगे। मेरे अब्बा गांव के इज्जतदार आदमी थे। मैंने कहा ठीक है माँ, अगले हफ्ते उसको यहाँ पर बुला लूंगा। मेरी माँ ने कहा अगले हफ्ते क्यों, तू एक काम कर उसको कल ही यहाँ पर बुला ला, कहीं ऐसा ना हो कि वह गांव का चौधरी उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, कहीं उन दोनों की जान ना ले ले। मैंने अपनी माँ से कहा घबराओ मत, अभी वह छुपा हुआ है, उसी ने मुझसे कहा है। मेरी माँ ने कहा ठीक है। मैंने अपनी माँ से कहा कि अब्बा कहीं नाराज तो नहीं होंगे। माँ ने कहा नहीं, अगर होंगे तो मैं देख लूंगी, तू परेशान मत हो, तू बस अपना फर्ज निभा। मैं उनकी बात से मुतमीन हो गया और मैं हैरत में भी पड़ गया। झूठ तो मैंने बहुत पक्का बोला था, मगर मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि मेरी माँ इस बात को मानेंगी। मुझे लगता था कि वह थोड़ा बहुत शक करेंगी, मगर मेरी माँ तो बहुत ही बहादुर निकली। मैं खुश हो गया और वहाँ से चला गया। अब मेरा एक प्लान तो कामयाब हो गया। अब दूसरा प्लान मेरा यह था कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि दोनों को बुला के लाना, तो मेरा कोई दोस्त था और अगर मैं किसी दूसरे दोस्त को इस प्लान में शामिल करता तो आगे जाकर मेरा पर्दाफाश हो सकता था झूठ का। फिर मैंने यह सोचा कि चलो एक तो प्लान कामयाब हो ही गया है, दूसरा भी कामयाब हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। और मैं एक एक दिन गिनने लगा। वक्त मानो थम सा गया। मुझे एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा था और आखिरकार वह वक्त आ ही गया जो मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था, जो मैं आज सोचता हूँ। मगर उस वक्त मैं बहुत खुश था। जब वह दिन आया तब मैंने अपनी माँ को बताया कि माँ वह आज का दिन है, मेरे दोस्त ने मुझे रात में बुलाया है। मेरी माँ को मेरी फिक्र हुई। उन्होंने मुझसे कहा क्या तू अकेला जाएगा? मैंने कहा हाँ। मेरी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, अगर तुम कहो तो तुम्हारे साथ तुम्हारे अब्बा को भेज दूँ या फिर गांव के दो तीन और लोगों को साथ भेज दूँ। मैंने अपनी माँ से कहा नहीं माँ, मेरे दोस्त ने मुझे अकेले ही बुलाया है, इसलिए उसने रात का वक्त चुना है, किसी को कोई शक भी ना होगा और वह यहाँ पर थोड़ी ही दूर पर खड़ा होगा, मैं जल्दी आ जाऊँगा। पर मेरी माँ मानने को तैयार नहीं थी। मेरे बहुत कहने पर वह तैयार हुई और मैं आधी रात को साइकिल लेकर मरियम के घर पर चल दिया। रात का सन्नाटा था। पहली बार मैंने गांव के दाहिने तरफ रात में सफर किया। दिल दहला देने वाली खामोशी थी। पहली बार मुझे एक अनजान खौफ का एहसास हुआ और मैं खेतों की पगडंडी पर साइकिल चलाता हुआ रात के सन्नाटों में चला जा रहा था। बड़े बड़े और घने घने लंबे पेड़ मानो ऐसा लगता था जैसे मुझे घूर रहे हों। साइकिल चलाते वक्त एक एहसास हो रहा था मुझे, ऐसा लगता था जैसे कि मैं अकेला नहीं हूँ, वहाँ पर मेरे साथ पीछे और भी लोग हैं। और जब मैं पलटकर देखता तो सिवाय सन्नाटे के कुछ भी नहीं होता। वह रात का सफर मेरे लिए बहुत ही डरावना था। आज मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं आधी रात में उस जंगल में चल दिया, मगर जवानी थी और थोड़ा लड़कपन भी था। शायद मुझ में इतनी समझ नहीं थी कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा था वह रास्ता मेरे लिए कैसा होने वाला था। मरियम के घर पहुँच गया, मगर दिन के वक्त वह घर इतना खतरनाक नहीं लगता था जितना कि रात के वक्त लग रहा था। मैंने डर से इधर उधर देखा कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि इस रास्ते पर तो कोई आता ही नहीं, मगर दिल में यह ख्याल था कि कहीं उसके अब्बा तो नहीं है। फिर सोचा कि मरियम ने मुझे बता दिया था कि उसके अब्बा दो दिन के लिए बाहर गए हैं। यह सोचकर मैंने ठंडी सांस ली और फिर मैंने मरियम को आवाज लगाई, मरियम मरियम कहाँ हो तुम? मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मुझे एक एहसास हुआ कि मुझे कोई बहुत देर से घूर कर देख रहा है। एक अनजान सा खौफ मेरे दिल और दिमाग में दौड़ गया और मेरा बदन में सिरहन सी पैदा हो गई। सामने वही बिल्ली थी जिसकी आंखें अंधेरे में बल्ब की तरह चमक रही थी। वह मुझे घूर रही थी। दिन के वक्त भी मुझे वह मिला करती थी, मगर मुझे इतना खौफ महसूस नहीं हुआ था जितना कि आज इस बिल्ली को देखकर हुआ। फिर वही हुआ जो अक्सर होता आया था। वह बिल्ली खिड़की पर कूदी और अंदर भाग गई और मेरी सांस में सांस आई, क्योंकि मुझे उस वक्त बिल्ली से बहुत ही ज्यादा खौफ महसूस हो रहा था। फिर मैंने मरियम को आवाज लगाई। इस बार मेरी आवाज लगाने से उसकी आवाज आई कि रुको मैं आती हूँ,
और यह कहकर उसने दरवाजा खोल दिया। मैंने देखा उस वक्त भी वह काले कपड़े ही पहनी हुई थी। मुझे याद है वह ब्लैक कलर का सलवार और कमीज पहनी हुई थी और दुपट्टा उसके सर पर था। उसके हाथ में कुछ था। मैंने उससे पूछा, यह क्या है? उसने कहा, कुछ नहीं, मुझे यहाँ पर दोबारा वापस नहीं आना है, बस कुछ थोड़े से माँ के गहने हैं जो मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए बनवा कर रखे थे। मैंने उससे पूछा, क्या यह सही होगा? तुम्हारे अब्बा क्या सोचेंगे? उसने कहा, अब्बा क्या सोचेंगे, माँ ने वैसे भी यह गहने मेरे लिए ही बनवाए थे। उसने कहा कि तुमने अपने घर वालों को राजी कर लिया? मैंने उसे तफसील से सारी बात बता दी और साथ में यह भी कहा कि मेरी माँ सोच रही है कि तुम्हारा भाई भी मेरे साथ आएगा। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम उनसे यह कह देना कि रास्ते में उन्होंने मेरे भाई को जान से मार दिया है और वह मुझे भी मारने वाले थे। हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आए हैं। हमारी दुश्मनी गांव के चौधरी से भी है और हमारे खानदान वालों से भी। बाकी जो कुछ भी सवाल पूछेंगी तुम्हारी माँ मुझसे ही पूछेंगी, मैं उन्हें समझा दूंगी। उसके ऐसा कहने से मेरी आधी परेशानी दूर हो गई। मैंने कहा, ठीक है चलो चलते हैं। और मैंने आगे साइकिल पर उसको बिठा लिया और साइकिल चलाने लगा। मगर एक बात का मैंने एहसास किया कि उसके हाथ में जो एक छोटा सा बैग था, उसने मुझसे कहा था कि इसमें माँ के कुछ गहने हैं। मगर वह मुझे अच्छा खासा वजनी महसूस हो रहा था। मैंने मरियम से पूछा, मरियम इसमें और क्या क्या है? उसने यह कहकर टाल दिया कि मेरी माँ की कुछ गहने हैं और मेरे कुछ कपड़े हैं। मैंने कहा, ठीक है। मैं बड़ी स्पीड से साइकिल चलाता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। मैं बस अब अपने घर पहुंचना चाहता था। और जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने दरवाजा खटखटाया। एक सेकंड में दरवाजा मेरी माँ ने खोला और सामने मेरे अब्बा भी खड़े थे। मरियम को मैंने अभी बाहर ही खड़ा किया हुआ था। मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, मैंने तेरे अब्बा को एक एक बात बता दी है। वह मुझसे थोड़ा नाराज हो रहे थे कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इतने में मेरे अब्बा मेरे पास आ गए और उन्होंने डांटने के अंदाज में मुझसे कहा कि बहुत बड़े हो गए हो तुम यह बात मुझसे भी बता सकते थे। कहाँ है वे दोनों? यह सुनकर मैंने मरियम को आवाज लगाई। मरियम नीची नजर करके मेरे घर के अंदर आ गई और मेरी माँ ने मरियम से कहा कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मरियम ने नीचे निगाह कर कहा, मेरा नाम मरियम है। मेरी माँ ने कहा, बेटी तुम्हारा भाई कहाँ है? यह सुनकर मरियम रोने लगी और उसने वही कहा जो उसने उस वक्त कहा था। उसने कहा कि मेरे भाई को उन लोगों ने मार डाला, अब मैं इस दुनिया में अकेली हूँ और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आई हूँ आपके बेटे के साथ। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या यह सही है? मैंने कहा, हाँ माँ, मेरे सामने ही कुछ लोगों ने मेरे दोस्त को मेरी आंखों के सामने मार डाला और वह मरियम को भी मार डालना चाहते थे। हम लोग अपनी जान बचाकर भागे। हमें बाद में पता चला कि उस गांव के चौधरी के साथ मरियम के खानदान वाले भी मिले हुए हैं। यह सुनकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए और मेरे अब्बा के भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, घबराओ मत बेटी, इसे अपना ही घर समझो। मेरी माँ ने मरियम को कहा, अब तुम मुझे ही अपनी माँ समझो। मरियम ने मेरी माँ की तरफ देखा और मेरी माँ उसको देखती रह गई। उसने पहली बार मरियम को गौर से देखा था। मरियम बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी माँ ने कहा कि ठीक है बेटी, आज रात तो मेरे साथ सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मेरी माँ मरियम को अपने कमरे में ले गई और मैं अपने कमरे में चला गया। मेरा मिशन कामयाब हो गया था। अब मुझे अपने माँ और बाप को शादी के लिए राजी करना था। मैं बहुत खुश था कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था और मैं अपने आगे की जिंदगी के सपने सच होने लगे थे। पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गया था। जो लड़की मेरे लिए सिर्फ एक ख्वाब थी, आज वह हकीकत में मेरे घर पर बैठी है। यह सोच सोच कर मैं कब नींद की वादियों में चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह फिर जब मेरी आँख खुली, कल की घटना मेरी आंखों के सामने आ गई। मैं अपने आप को बहुत ही तरोताजा महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि मैंने और मरियम ने जो भी झूठ घर वालों से बोला है, घर वालों ने हमारे झूठ को सच मान लिया। सच तो यह है कि अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी भी था, इसलिए कि मैंने अपने अब्बा और अम्मी से झूठ बोला। जब उन्हें सच्चाई पता लगेगी तो उनका भरोसा मुझ पर से उठ जाएगा, लेकिन अपने मोहब्बत के आगे मजबूर था। सोच रहा था कि मोहब्बत में तो पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, मैंने तो सिर्फ एक झूठ बोला है। थोड़ी ही देर बाद मेरी अम्मी मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझसे कहा, अमन नहा धोकर तुम कमरे में आ जाओ, मुझे और तुम्हारे अब्बा को तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं घबरा गया। मैंने माँ से पूछा, सब खैरियत तो है? माँ ने कहा, हाँ बेटा खैरियत है,
बस तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मैं तैयार होने के लिए चल दिया। 15 मिनट बाद मैं अपनी अम्मी के सामने हाजिर था। मम्मी ने मुझे एक दूसरे कमरे में बुलाया था। मैंने वहां पर देखा कि वहां अम्मा और अब्बा के अलावा कोई नहीं था। जैसे ही मैं अंदर आया, मेरे अब्बा ने अम्मी को कुछ इशारा किया और मेरी अम्मी ने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने घबरा के पूछा, क्या हुआ, खैरियत तो है? क्योंकि मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि कहीं अम्मी और अब्बू को मेरे झूठ का पता तो नहीं चल गया। हो सकता है रात में मरियम ने सब बता दिया हो और इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया हो। यह सोचकर मेरे माथे पर पसीना आ गया, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैंने सोचा आगे क्या होता है देखते हैं। तेरे को पता चला, बात क्या है? सबसे पहले मेरे अब्बा मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, अमन सच बताना, यह लड़की तुम्हें कहाँ मिली? तुमने जो हमें बात बताई है, क्या वाकई में ही वह बात सच है? मैंने कहा, हाँ 100% यह बात सच है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अब्बा ने हाँ में सर हिलाया। फिर अम्मी ने मुझसे पूछा, अमन झूठ मत बोलना बेटा, सच बताना, क्या वाकई यह सारी बातें सच्ची हैं जो तुमने हमें बताई? मैंने अम्मी से कहा, हाँ अम्मी यह बातें 100% सच्ची हैं, भला मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा? फिर मेरे अब्बा बोले, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है। अमन, कल रात हमारी मरियम से बातचीत हुई थी, बहुत ही रो रही थी। हमने उसे बहुत समझाया, मगर बेटा हम मोहल्ले वालों से क्या कहेंगे? वह हमसे जब सवाल करेंगे तो हम क्या कहेंगे? इसलिए कल रात हमने बहुत सोचा। उसके बाद अब्बा ने अम्मी की तरफ इशारा किया। अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा हमने सोचा है कि हम मोहल्ले वालों को मरियम को अपनी दूर की रिश्तेदार बता देंगे और मोहल्ले वाले हमारी बात पर यकीन कर लेंगे। उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है बेटा, अभी उसकी उम्र ही कितनी है। मैं देख रहा था कि अम्मी के चेहरे पर मरियम के लिए बहुत ही ज्यादा हमदर्दी थी। मैं उनकी बात सुनता रहा। उसके बाद अम्मी चुप हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही थी, मगर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा हम जानते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुमने अभी इंटर ही पास किया है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी उम्र 18 या 19 ही होगी, मगर फिर भी तुम्हारी उम्र शादी की तो है। हम यह भी जानते हैं कि तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है। मैंने अम्मी से पूछा, क्या बात है? आप लोगों को जो कुछ भी कहना है आप लोग खुलकर कह सकते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? मम्मी ने कहा, बेटा हम यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारे अब्बू और मैंने फैसला किया है कि मरियम से तुम्हारा निकाह करा दिया जाए, और यह निकाह सादा होगा, बस कुछ रिश्तेदार शामिल होंगे और मैं उन रिश्तेदारों से कोई ना कोई बहाना कर दूंगी। इस तरह वह लड़की मेरी बहू बन जाएगी और तमाम खतरों से बच जाएगी। अगर हम उसे ज्यादा दिन तक अपने घर में रखेंगे तो मोहल्ले वाले सवाल करने लगेंगे कि जवान बेटा है और यह लड़की पता नहीं कौन है। अगर हम रिश्तेदार भी बताते हैं तो कोई रिश्तेदार ज्यादा दिन तक नहीं रहता। हम मोहल्ले वालों से ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, अगर उसका भाई जिंदा होता तो फिर हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते, लेकिन बेटा वह लड़की अनाथ है और पूरी तरह से अब अकेली हो गई है। वह बच्ची यतीम हो गई है और किसी यतीम का साथ देना बहुत सवाब का काम है बेटा, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया, फैसला तुम्हें करना है। यह सुनकर मेरे मन ही मन में रसगुल्ले फूटने लगे। मैं तो यही चाहता था, मैं सोच रहा था कि मुझे तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, यहाँ तो मेरे माँ बाप खुद ही राजी हो गए शादी के लिए। मैंने बहुत फिक्र वाली शक्ल बनाकर कहा, ठीक है, अभी आप लोगों का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। और फिर यह फैसला हुआ कि यह निकाह आज ही कर दिया जाए और मोहल्ले वालों के यहाँ पर मिठाई बांट दी जाए। और ऐसे ही हुआ, शाम तक हमारा निकाह हो गया। मोहल्ले वालों ने थोड़े बहुत सवाल करे, मगर अम्मी जान ने सबको समझा दिया। उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं पता था, पर मोहल्ले वाले चेहरे से मुतमाइन दिखे, यह देखकर मुझे तसल्ली हो गई। मेरे लिए एक कमरा सजा दिया गया था और मेरे सामने मेरी मोहब्बत बैठी हुई थी, शरमाई हुई सी। आज हमारी सुहागरात थी। मैं मरियम के पास गया और मैंने उसका हाथ पकड़कर उससे कहा कि मरियम, यकीन नहीं होता कि तुम मेरी बीवी बन गई। मरियम नीची निगाह करके बैठी हुई थी। मैंने कहा, क्या हुआ, क्या तुम परेशान हो? उसने कहा, नहीं। फिर उसने निगाह ऊंची कर ली और मुझे बहुत प्यार से देखने लगी। मैंने पहली बार उसके चेहरे को बहुत गौर से देखा था तो वाकई बहुत ही खूबसूरत थी।
बड़ी बड़ी आँखें, घनी पलकें, लंबे बाल, गोरा रंग, गुलाबी होंठ, सच बताऊं तो ऊपर से लेकर नीचे तक वो कयामत ही कयामत थी। फिर मरियम ने मुझसे कहा कि अमन, मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मैंने मरियम का हाथ पकड़कर कहा, नहीं मरियम, मैं तुम्हें छोड़ने की सोच भी नहीं सकता, मैं तुमसे हमेशा ऐसे ही प्यार करूंगा। और यह कहकर मैंने उसको अपने गले से लगा लिया। उस रात मरियम ने मुझसे बहुत प्यार किया। सुबह कब हो गई हमें पता ही नहीं चला। सुबह फिर अब्बा ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि बेटा, अब तुम शादीशुदा हो गए हो, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, पढ़ाई तुम्हारी आगे की बाकी है, फैसला तुम्हें करना है, आगे पढ़ाई करना है या फिर हमारी खेती है उसमें काम करना है। मैंने अब्बा से कहा कि मैं सोच समझकर बताऊंगा। अब्बा खामोश हो गए। हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि नई नई शादी हुई हो, थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। इसी तरह 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। उस साल मैं कॉलेज नहीं जा पाया। फिर मरियम ने मुझे बुलाकर कहा कि क्यों ना तुम कोई कारोबार शुरू कर लो। मैंने मरियम से कहा कि मरियम, हमारे पास थोड़ी बहुत खेती है, मगर कारोबार करने के लिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए, वह हम कहाँ से लेकर आएंगे। उसने कहा, तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं अपने साथ अपनी अम्मी की गहने साथ लेकर आई हूँ, और भी कुछ लेकर आई थी उन गहनों के साथ, तुम उनको गिरवी रख दो या बेच दो, इतनी रकम तो आ ही जाएगी कि तुम कोई कारोबार शुरू कर लो। वैसे भी पढ़ाई लिखाई से होता क्या है, इतना तो तुम पढ़ ही चुके हो कि तुम्हें हिसाब किताब करने में कोई परेशानी ना हो, और फिर नौकरी तो नौकरी होती है, सरकारी नौकरी हो या फिर कोई और सी नौकरी, जितना भी बड़े हो जाओ मगर उसका सर मालिक के जूते से हमेशा नीचे ही रहता है। मैं चाहती हूँ अमन, तुम कारोबार करो। मुझे उसकी यह बात सुनकर बहुत अच्छी लगी। उसकी सोच अच्छी थी, बल्कि कहा जाए कि बहुत ऊँची थी। लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हारी माँ ने यह गहने तुम्हारे लिए बनवाए थे मरियम, मैं उन्हें कैसे गिरवी रख सकता हूँ, मैं उन्हें कैसे बेच सकता हूँ। मरियम ने कहा कि मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है, गहने ही तो हैं, मेरे लिए तो तुम बहुत हो, तुम हो तो सब कुछ है। फिर उसने अपना वही पुराना बैग निकाला। मुझे याद आ गया कि यह वही बैग था जो मरियम अपने साथ लेकर आई थी। उसने फिर वह बैग खोला और उसमें एक लाल कपड़े की पोटली थी जो बहुत बड़ी थी। मुझे याद आ गया कि जब मरियम और हम साइकिल में थे तब मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारी बैग में क्या है। तब मरियम ने मुझसे कहा था कि इसमें कुछ कपड़े और सामान हैं, लेकिन आज तक उसने उसमें से कोई कपड़ा नहीं निकाला। वह वही कपड़े पहनती थी जो मैंने उसके लिए बनवाए थे। फिर उसने वह लाल पोटली खोली। जैसे ही पोटली खुली मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें कुछ गहने नहीं थे, बल्कि यूं कहा जाए कि उसमें बहुत सारे गहने थे, और ऐसा भी कह सकता हूं कि उन्हें बेचकर मैं सारी जिंदगी आराम से काट सकता हूं। फिर मरियम ने मुझसे कहा, तुम इसमें से जितना चाहो ले सकते हो या फिर पूरा ले जा सकते हो। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, मरियम, तुमने तो कहा था इसमें कुछ गहने हैं, मगर यह तो बहुत कीमती गहने हैं और बहुत सारे हैं। यह सुनकर वह मुस्कुरा दी और आंख मारकर मुझसे कहा, तुमने मुझे किस खानदान का समझा था। और फिर वह हंसने लगी और फिर हंसकर कहने लगी कि मैं कोई ऐरे गहरे खानदान की नहीं हूं। और उसने मेरा हाथ पकड़कर चूम लिया और कहा कि तुम यह भी कह सकते हो अमन कि मैं एक राजकुमारी हूँ। और यह कहकर वह जोर से हंसने लगी। वह पूरी तरीके से मजाक के मूड में थी। मैंने उससे कहा, रुको, मैं तराजू लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर बाद मैं तराजू लेकर आया और जब मैंने उसका वजन तोला तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, वह गहने बहुत भारी थे। वह पूरे 55 किलो के थे और उन गहनों के साथ साथ एक छोटी सी नीली कलर की थैली थी। मैंने पूछा, इसमें क्या है। उसने हंसकर कहा कि मेरे प्यारे शौहर, मैं तुम्हारी हूँ तो यह भी तुम्हारा ही है, इसमें पूछना क्या है, खोल कर देख लो। जब मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें बड़े बड़े चमकदार 15-20 हीरे थे। यह देखकर मेरी आंखों के सामने एक बार को अंधेरा सा छा गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि इसका मतलब यह है कि मरियम बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है। फिर मैंने मरियम से पूछा, मरियम, मैं कुछ पूछ सकता हूँ। अचानक उसके तेवर बदल गए। उसने मुझसे कहा, शर्त याद है ना। अचानक मुझे याद आया कि हाँ, उसने मुझसे शर्त रखी थी। मैंने कहा, हाँ मरियम, मुझे शर्त याद है। उसने कहा, ठीक है, मैंने पहले ही कहा था अमन कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे।
और फिर वैसे तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी बीवी हूँ। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इन गहने को गिरवी रखो और उन पैसों से कोई कारोबार करो। मैं उसकी बात समझ गया, वह बताने के मूड में नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, 55 किलो सोना बहुत होता है और साथ में हीरे भी। मैंने उसमें से सिर्फ 0.5 किलो सोना निकाला, हालांकि 0.5 किलो सोना भी बहुत था। मुझसे सवाल करे जा सकते थे कि इतना सोना मैं कहाँ से लेकर आया, मगर यह अच्छा था कि मेरा एक दोस्त सुनार था और बचपन का साथ भरोसेमंद था। उसको मैं समझा दूंगा। 0.5 किलो सोना निकाला और मरीम से मैंने कहा, बाकी का सोना संभाल कर रख दो। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो अमन, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। अब मुझे चिंता होने लगी थी कि घर में इतना सोना होगा तो कोई अनहोनी ना हो जाए, और मैंने इस बात का जिक्र मरियम से किया। उसने कहा कि अमन, मैं इसकी हिफाजत बचपन से कर रही हूँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अपने काम पर ध्यान दो। मैं चाहती हूँ कि तुम कारोबार करो और बहुत जल्दी बड़े आदमी बनो। इतने बड़े आदमी बनो कि जितना सोना तुमने देखा है इतना तुम मुझे बनवा कर दो। यह कहकर वो हंसने लगी। मैं चुपचाप वहाँ से चला आया। घर पर मैंने अब्बा को कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना पता है कि मैं कारोबार करना चाहता हूँ और पढ़ना नहीं चाहता। अब्बा ने कहा कि उसके लिए पैसे कहाँ से लेकर आओगे। मैंने उनसे कहा कि मेरा एक दोस्त मुझे उधार देने के लिए तैयार है, मैं देख लूँगा, आप फिक्र ना करें। अब्बा मेरी बात सुनकर खामोश हो गए। मैंने सोना बेचा नहीं बल्कि उसको गिरवी रख दिया। मैं नहीं चाहता था कि मरियम का सोना मैं बेच दूँ। मैं दिल से चाहता था कि मैं कारोबार में तरक्की करूं और उसका सोना वापस कर दूं, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। हालांकि उसने पूरी तरह से इजाज़त दे दी थी, मगर मैं नहीं चाहता था। फिर गिरवी रखकर मैंने उन पैसों से एक कारोबार शुरू किया, कपड़ों का कारोबार, यानी कि एक्सपोर्ट का। धीरे धीरे मेरे काम में तरक्की होने लगी। आज मेरी शादी को 3 साल हो गए और इन 3 सालों में जितनी तरक्की की थी कोई उतनी 30 सालों में भी नहीं कर पाता। अब मेरे घर की जगह एक शानदार हवेली थी। सभी गांव वाले यही बोलते थे कि अमन की बीवी बहुत किस्मत वाली है। कुछ लोग तो यह कहते थे कि जब से यह लड़की इनके घर में आई है इनके दिन वक्त फिर गए। और इसी बीच हमारे 2 बच्चे हुए, दोनों लड़के थे। मरियम उन्हें बहुत प्यार करती थी, जिंदगी बहुत ही खुशगवार कट रही थी। मैं एक लड़की और चाहता था। इसी बीच मेरी दोस्ती साहिल से हो गई, वह भी कपड़ों का व्यापारी था। हम दोनों में अच्छी पटने लगी क्योंकि हम लोग एक ही कारोबार से ताल्लुक रखते थे, यहाँ तक कि विदेश भी हम लोग साथ ही जाते थे। उसकी और मेरी मुलाकात अमेरिका में हुई थी, मैं किसी काम के सिलसिले में अमेरिका गया हुआ था। वहाँ और मेरी उसकी मुलाकात हुई और हमारी वहीं से दोस्ती हो गई। वह बहुत ही अच्छा आदमी था, वह हमारे गाँव से करीब 90 किलोमीटर के फासले पर रहता था। एक दिन उसने हमारी दावत की। उसने कहा, अमन क्यों ना अपनी बीवी के साथ और बच्चों के साथ हमारे गांव में खाने पर आओ। उसकी बात मैं खुशी से मान गया। मैंने कहा क्यों नहीं। दूसरे दिन मैंने मरियम से कहा कि शाहिल ने हम दोनों की दावत की है। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम चले जाना। मैंने उससे बहुत कहा कि चलो ना, वह बुरा मान जाएगा, मगर वह किसी कीमत पर जाने को तैयार नहीं हुई। हम दोनों में से इस बात पर थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ। मैंने उससे कहा कि तुम्हें जाने में क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा, शर्त याद है ना। मैं उसकी तरफ हैरत से देखने लगा। मुझे लगा शादी में इतना वक्त हो गया है, अब वह सब कुछ भूल गई होगी। मैंने मरियम से कहा, मरियम बहुत वक्त हो गया है, मैंने नोटिस किया है कि तुम मोहल्ले की शादियों में भी नहीं जाती, आस पड़ोस में भी नहीं जाती, और जब भी मैं तुमसे कहीं जाने का जिक्र करता हूँ तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना कर देती हो, और आज मुझसे कह रही हो शर्त। उसने बहुत गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, देखो अमन, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ आने से पहले मैंने साफ साफ अल्फाजों में तुमसे कहा था कि तुम मेरे ऊपर जोर नहीं डालोगी, मगर मैं आज उससे आर पार करने के मूड में था, क्योंकि बहुत वक्त से मैं देख रहा था। आने जाने के पीछे अम्मी से भी कई बार मरियम का झगड़ा हो चुका था। मैंने मरियम से कहा, आखिर वजह क्या है। मैंने नोटिस किया है जब से हमारी शादी हुई है तुमने इस घर से कदम बाहर नहीं निकाला। उसने मुझे बहुत गुस्से से देखा, उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने कहा, अमन मैं हम दोनों की भलाई चाहती हूँ, अब इससे आगे मुझसे कोई सवाल मत करना। और यह कहकर वह पैर पटकती हुई बाहर निकल गई और मैं चुपचाप वहाँ खड़ा रहा
और गुस्से से बाहर निकल गया। रात को जब कमरे में मैं आया तब मैंने उससे बात नहीं की, लेकिन वह खुद मेरे पास आ गई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे गले लगा लिया और मुझे प्यार करने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। जब भी हम दोनों में झगड़ा होता था मनाने की पहल मरियम ही करती थी और वह हमेशा कहा करती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अमन, मैं ज़्यादा देर तक तुमसे नाराज नहीं रह सकती। और उसकी इसी अदा से मेरा गुस्सा रफू चक्कर हो जाता था। इस बार भी यही हुआ। दूसरे दिन मैं अपने दोस्त के घर पर चला गया। उसने कहा कि भाभी साथ नहीं आई। मैंने कहा कि नहीं, उसकी तबीयत सही नहीं थी, उसे बुखार हो गया है और उसने बहाना मार दिया। आज वह मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने मेरा बहुत ही गर्म जोशी से स्वागत करा। उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। मैंने कहा किससे? उसने कहा कि हमारे वाले साहब के दोस्त हैं, बहुत ही पहुँचे हुए हैं, वह अल्लाह वाले हैं, उन्हें पीर बाबा कहते हैं। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। मैं इन चक्करों में ज्यादा नहीं रहता और वैसे भी भूत प्रेत जिन पर मैं यकीन नहीं करता था, फिर भी मैं उसके कहने के मुताबिक उसके साथ दूसरे कमरे में चला गया जहाँ पर पीर बाबा बैठे हुए थे। उन्हें देखकर सलाम करा। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और मुझे गौर से देखने लगे और मुस्कुराने लगे और उन्होंने मुझसे कहा, बहुत ही निडर हो तुम, हमारी शादी हो गई? मैंने कहा, हाँ बाबा, मेरी शादी को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। फिर उन्होंने मेरे घर वालों के बारे में पूछताछ की और मैंने तहसील से बताया कि मैं क्या कारोबार करता हूँ, मेरी माँ है, मेरे अब्बा हैं, मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं। फिर उन्होंने एक सवाल मुझसे कहा बहुत ही खामोशी से, तुम्हारी बीवी कहाँ की रहने वाली है? यह सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैंने उनसे कहा कि वह मेरी माँ की दूर की रिश्तेदार है, मेरी खाला की बेटी। यह सुनकर वो मुस्कुराने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं आई? मैंने कहा, नहीं, उसको बुखार है। फिर उन्होंने अजीब सा जवाब दिया जिसे सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ आई है, वह तुम्हारे साथ हमेशा रहती है, वह कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। यह सुनकर मैं गुस्से में आ गया। मैंने उनसे कहा, क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? मगर वह अपनी जगह से जरा भी नहीं हिले। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी बातें तुम्हें बुरी लग सकती हैं, किसी भी आदमी को लग सकती हैं, मगर बहुत जल्दी तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम किसे अपने साथ ले आए हो। मैं गुस्से में आ गया। मैंने कहा, बकवास बंद करो बाबा, आप मेरे बारे में जानते क्या हो? आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप जैसे पाखंडी बाबाओं को अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, और मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। यह सुनकर मेरा दोस्त मुझे बाहर ले गया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि सिर्फ तुम्हारी दोस्ती के लिए लिहाज कर लिया मैंने, वरना इस बाबा को यहीं बता देता, मैं उसका मुंह तोड़ देता। मेरे दोस्त ने कहा कि पीर बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कुछ तो देखा होगा। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर गुस्से में जाने लगा कार में बैठकर। मेरा दोस्त मुझे रोक रहा था मगर मैं नहीं रुक रहा था। मैं बाहर कार में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इतने में पीर बाबा बाहर निकल कर आ गए और मुझे देखकर उन्होंने कहा, मेरी बात का बुरा मत मानो नौजवान, अपनी बीवी पर नजर रखो, खास तौर पर रात में। देखो जब तुम रात में सो जाते हो तब तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास होती है या फिर नहीं होती। और हाँ नौजवान, तुम्हारे अपने गांव के दाहिने तरफ के रास्ते पर, उस सुनसान रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। यह सुनकर मैं हैरत से उनकी शक्ल देखने लगा कि यह बात सिर्फ मैं और मरियम ही जानती थी, ना मेरा दोस्त ना घर वाले, कोई भी नहीं जानता था। यह एक राज था, यह पीर बाबा को कैसे पता चल गया? और मैंने फिर वहां से गाड़ी स्टार्ट करी और वहां से बहुत तेजी से निकल गया। गाड़ी चलाते हुए मेरा दिमाग सुन था, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, पर मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आ रही थी, यह बातें पीर बाबा को कैसे पता चली। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मुझे पीर बाबा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और उससे भी ज्यादा गुस्सा मुझे अपने दोस्त पर आ रहा था कि वह भी पीर बाबा की बातों को सही मान रहा था। लेकिन जो कुछ भी था, मेरे दिल में एक शक तो भर गया था। मेरा दिमाग पीर बाबा की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, पर मेरा दिल कहीं ना कहीं उनकी बातों को थोड़ा बहुत सही मानकर चल रहा था। फिर मैंने अपने दिमाग को एक झटका दिया और सोचा, ऐसे वैसे बाबाओं की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। यह सारी बातें सोचते सोचते कब घर आ गया
पता ही नहीं चला। घर जाकर सबसे पहले मम्मी ने मुझे टोका, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो कहकर गए थे कि कल आओगे, मगर तुम तो बहुत जल्दी आ गए। मैंने मम्मी से कहा, हाँ वह क्या है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी। अम्मी जान यह सुनकर फिक्रमंद हो गई और उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे पूछा, क्या हो गया है, तुम गए तो सही सलामत थे। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकावट थी, मैं आराम करना चाहता हूँ, और यह कहकर मैं अपने कमरे की तरफ चला गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो मरियम बच्चों को खिला रही थी और वह मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने उससे बहाना कर दिया, कुछ नहीं, थकावट थी और तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं चला आया। उसने मुझसे पूछा, क्या अभी तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कहा, नहीं मरियम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे नींद आ रही है। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ ठीक है, सो जाओ, वैसे भी रात होने ही वाली है, अच्छी नींद लेना, सुबह फ्रेश उठोगे। और मैं चुपचाप लेट गया, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। दिल में सिर्फ और सिर्फ पीर बाबा का ही ख्याल आ रहा था। उनके वह बोल, रात में कभी देखना तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास होती है या नहीं। और उनकी एक और बात मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन दे रही थी कि तुम्हें जंगल के दाहिने तरफ के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। मैंने सोने का नाटक किया, मगर हकीकत में जग रहा था। रात को कमरे में मरियम आई और मेरे पास आकर लेट गई। उसने मुझे दो तीन बार आवाज दी, मतलब उठाने की कोशिश करी खाना खाने के लिए, मगर मैंने इतनी गहरी नींद का नाटक किया, वह समझ गई कि लगता है मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं था, मैं जाग रहा था। थोड़ी ही देर बाद रात के 11 बज गए। मरियम और मेरे दोनों बच्चे मेरे बगल में सो रहे थे, मगर मैं जाग रहा था। मैं सोच रहा था कि देखता हूँ कि पीर बाबा की बातों में कितनी सच्चाई है, अगर उनकी बात झूठ निकली तो गांव जाकर सबसे पहले तो पीर बाबा का दिमाग ठीक करूंगा। मुझे इंतजार करते करते रात के 3 बज गए, मगर मैंने सोने का नाटक जारी रखा और बार बार मरियम को देखा। मरियम बहुत गहरी नींद में सो रही थी। फिर मैंने सोचा कि लगता है मैं पागल हो गया हूँ, अपनी ही बीवी पर शक करने लगा हूँ, क्या मेरी बीवी कोई भूत है? फिर मुझे प्यास लगने लगी, मैं उठा और पानी लेने के लिए अपने ही कमरे में जो फ्रिज रखा हुआ था वहां से एक पानी की बोतल निकाल ली और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आ गया। अपने बिस्तर पर जाकर अब मैंने सोने का इरादा कर लिया था। मैं नींद की वादियों में जाने ही वाला था कि मैंने अपने बगल में लेटी मरियम को देखा। मेरी हैरत का कोई ठिकाना नहीं था, वहां पर मरियम मौजूद ही नहीं थी, कहाँ गई? अभी 2 मिनट पहले तो मेरे पास में ही लेटी हुई थी। जनवरी के ठंड में मेरे माथे पर पसीना आ गया। फिर मैंने सोचा, शायद बाथरूम गई होगी, मैं पानी पीने में व्यस्त था, शायद मेरा ध्यान ना गया हो। मैंने सबसे पहले जाकर बाथरूम को चेक करा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं, थोड़ी घबराहट हो रही थी। वह बाहर टहलने जाती थी, क्योंकि वह ऐसा कभी कभी करती थी। हमारी कोठी में जो लॉन था, जो गार्डन था, वह वहाँ पर टहलने जाती थी, मगर दरवाजे से बाहर नहीं जाती थी। मैंने जाकर गार्डन चेक करा, मगर वहाँ पर भी कोई नहीं था। मैं यह देखकर घबरा गया। एक एक करके मैंने सारे कमरे चेक कर लिए, मगर मरियम का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गया और परेशान होकर मैं अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। मरियम सो रही थी, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले मरियम यहाँ पर थी ही नहीं। मैंने पूरा घर चेक कर लिया था और पूरे होशो हवास में किया था, फिर यह सब क्या था? मैंने मरियम को गौर से देखा तो बड़े ही इत्मीनान से सो रही थी। आज मुझे पहली बार कुछ डर सा महसूस हुआ। फिर मैंने सोचा, हो सकता है मैंने पीर बाबा की बातों को ज्यादा ही दिमाग पर ले लिया है, सुबह मरियम से खुद पूछ लूंगा। मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मगर कहते हैं ना कि नींद को जब आना होता है तो वह कांटों में भी आ जाती है। मेरी आंख सुबह 11 बजे खुली। मरियम ने चाय देकर गुड मॉर्निंग बोला और कहा, क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? आज शहर नहीं जाना है क्या तुम्हें? क्योंकि मेरा ऑफिस शहर में था और शहर यहाँ से काफी दूर था। कार से मुझे वहां पहुंचने में 30 मिनट लगते थे। मैंने मरियम से कहा, नहीं आज मेरा मूड नहीं है,
मरियम ने मुझे देखकर कहा, क्या बात है अमन, जब से तुम अपने दोस्त के घर से आए हो तब से मुझे कुछ बदले बदले से लग रहे हो। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो। मैंने उसकी बात सुनकर तुरंत उससे कहा, कल रात तुम कहाँ थी? यह सुनकर तो वह एकदम से चौंक गई। उसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। उसने मुझसे कहा, मैं तो यहीं थी, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी होगी, और वैसे भी कल रात तो तुम थक गए थे, हो सकता है तुमने कोई सपना देखा हो। मैंने उससे कहा, नहीं, मैं कल पूरी रात नहीं सोया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने खुद देखा तुम अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैंने पूरा घर चेक किया, तुम कहीं भी नहीं मिली। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और मुस्कुराने लगी और साथ ही कहने लगी, चाय तो मैं ले आई हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए एक डिस्प्रिन की गोली ले आती हूँ, तुम्हारे सर में जो दर्द है वह ठीक हो जाएगा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ख्यालों की दुनिया में पहुंच गए हो। यह कहकर वह बाहर चली गई। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया क्योंकि मैं जानता था अगर उसे नहीं बताना होता तो वह नहीं बताएगी। फिर किसी दिन इस मामले पर बातचीत कर लेंगे। अब जनवरी लग चुकी थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तब मैंने देखा कि अम्मी और मरियम में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। मैंने जाकर झगड़ा शांत कराया और पूछा, क्या बात है? मेरी माँ ने मुझसे कहा, अपनी बीवी से पूछ, सर्दी बहुत ज़्यादा है और यह बच्चों को स्वेटर नहीं पहना रही, और आज इतने ठंड में उन बच्चों को ठंडे पानी से नहला दिया। यह सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, बच्चे बीमार पड़ सकते थे। मैंने मरियम से कहा, यह क्या हरकत है तुम्हारी? इस कड़ाके की ठंड में लोग गर्म पानी में नहाने से डर रहे हैं और तुमने मेरे बच्चों को ठंडे पानी से नहला दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से उनको निमोनिया हो सकता है, वह बहुत बीमार पड़ सकते हैं। मेरी बात सुनकर मरियम ने कहा कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, और हाँ, अगर मैं गर्म पानी से नहलाऊंगी तो वह जरूर बीमार पड़ जाएंगे, उन्हें सर्दी नहीं लगती। जब मैंने बच्चों को देखा तो वह सिर्फ हल्के फुल्के कपड़े ही पहने हुए थे, जैसे कि मई जून की गर्मी में पहने जाते हैं। यह देखकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने मरियम से कहा, इससे पहले कि मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाए, तुम इसी वक्त इन बच्चों को गर्म कपड़े पहना दो और कंबल में रखो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। मरियम ने मुझसे बहुत कहा मगर मैं उसकी बात नहीं माना। बच्चों को गर्म कपड़े पहना दिए गए मगर यहाँ मामला उल्टा हुआ। बच्चे जब हल्के फुल्के कपड़े पहने हुए थे तब वह खेल रहे थे, मगर जैसे ही उन्हें गर्म कपड़े पहनाए गए वह बुरी तरह से रोने लगे। मैंने उन्हें चुप कराने की बहुत कोशिश की मगर वह चुप नहीं हुए। मरियम ने मुझसे कहा कि मेरी बात मानो, यह मेरे बच्चे हैं, मैं इनका मिजाज जानती हूँ। यह कहकर उसने बच्चों के स्वेटर उतार दिए और वह बच्चे बिल्कुल खामोश हो गए। मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। इतने में अब्बा पड़ोस के डॉक्टर को बुला कर ले आए। डॉक्टर ने बच्चों को चेक किया और मुझसे आकर कहा, एवरीथिंग इज ओके, आपके बच्चे बिल्कुल फिट हैं। डॉक्टर ने भी मुझसे कहा कि इनको गर्म कपड़े पहना दीजिए, हो सकता है इन्हें सर्दी हो जाए। यह कहकर डॉक्टर चला गया और मैं चुपचाप हैरत से ही माजरा देख रहा था। यह सारी बातें मेरी समझ से बाहर थी। मैं चुपचाप बाहर जाकर गार्डन में बैठ गया और सारी बातों पर गौर करने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में चला गया। वक्त ऐसे ही बीतता रहा, 3 साल कब गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। इसी बीच में और ज़्यादा तरक्की हो गई, अब मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ रहने लगा था। मगर मैंने एक बात नोट की थी, मेरे बच्चे दूसरों के बच्चे के मुताबिक जल्दी बड़े हो रहे थे। मतलब एक बच्चा मेरा 3 साल का था मगर वह 8 साल का लगता था। शुरू शुरू में तो मैंने गौर नहीं किया, यही सोचा कि अच्छी परवरिश का नतीजा है, गांव की ताजी हवा है। मगर इससे भी अजीब बात मेरे लिए यह थी कि मेरे बच्चे गाँव के बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, ना तो उनके कोई दोस्त बने थे, ना स्कूल में उनके दोस्त बने थे। सब ने यही कहा कि तुम्हारे बच्चे बहुत चुप चुप रहते हैं। एक बार तो हद हो गई। मैंने एक गांव के पड़ोस के बच्चे से कहा कि तुम मेरे बच्चे के साथ क्यों नहीं खेलते? उसने कहा कि हमें दोनों भाई उसे डर लगता है, मतलब मेरे दोनों बच्चों से। मैंने पूछा क्यों? उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि बस लगता है वह कुछ अजीब हैं। मैंने पूछा कैसे? तो वह डर गया। मैंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, डरो मत, मुझे पूरी बात बताओ, क्या वह स्कूल में कोई शैतानी तो नहीं करते? उसने मुझसे कहा कि अगर कोई बच्चा तुम्हारे बच्चों का मजाक उड़ाता है तो
उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, इसलिए हमारे घर वालों ने आपके बच्चों के साथ खेलने के लिए मना किया है। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया और चुपचाप वहां से वापस चला आया। फिर मैंने सारी की सारी पिछली घटनाओं पर गौर करना शुरू किया। सोचते सोचते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कुछ तो गलत है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने एक फैसला किया, मैं पीर बाबा से जाकर मिलता हूँ। सच बात तो यह है कि अब मैं इस बात की तह तक जाना चाहता था। मरियम का व्यवहार भी कुछ अलग ही होता जा रहा था, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि मरियम घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब तो गांव वाले भी दबी जुबान में बातें करने लगे थे। उनका मानना था कि मरियम बहुत ही घमंडी औरत है। अब मैं सारी बातों के तह तक जाना चाहता था और मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज ही पीर बाबा से मिलूंगा। और फिर यह सोचकर मैं अपने दोस्त से मिलने चला गया। मेरा दोस्त घर पर ही था, वह मुझे देखकर चौंक गया। मैंने अपने दोस्त से जाते के साथ ही कहा, मुझे पीर बाबा से मिलना है। वो मुझे देखकर हैरान और परेशान हो गया। उसने मुझसे कहा, क्या बात है अमन, तुम पहले इधर बैठो, आराम से बात करते हैं। फिर उसने मुझसे पूछा, बोलो क्या बात है। मैंने कहा कि मुझे पीर बाबा से मिलना है, अभी और इसी वक्त। कहाँ मिलेंगे वह? वह मेरी बात सुनकर खामोश हो गया। उसने कहा कि तुम तो पीर बाबा पर यकीन नहीं करते थे ना। मैंने कहा, हाँ सही बात है, पहले यकीन नहीं करता था, लेकिन अब कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं कि मुझे उनकी बात पर थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ तो गलत हुआ है। वह बोला, ठीक है, शाम के वक्त वह अपने घर पर मिलेंगे, अभी तो वह दरगाह में होंगे, उनके घर पर चलकर उनसे बात करते हैं। तब तक तुम बताओ, क्या लोगे, चाय या कॉफी? मैंने कहा, नहीं मेरा मूड नहीं है, और वाकई मेरा कुछ भी पीने का और खाने का मूड नहीं था। शाम के वक्त हम दोनों पीर बाबा के घर पर गए। पीर बाबा अपने कमरे में ही बैठे हुए थे। उन्होंने हमें देखकर सलाम किया और हमारा स्वागत बड़ी गर्म जोशी से किया, और मुझे देखकर मुस्कुराने भी लगे और कहने लगे, क्यों मियाँ, आखिरकार तुम्हें हमारे पास आना ही पड़ा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उन्होंने कहा, बैठ जाओ, पहले कुछ खा पी लो, तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है जैसे तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, परेशानी चेहरे से साफ दिखाई दे रही है तुम्हारे। पीर बाबा ने हमारे सामने खाना लगवा दिया और मुझसे कहा, आराम से खाओ। हम लोगों ने खाना खाया, फिर पीर बाबा ने हमारे लिए चाय मंगवाई और मैं चाय की चुस्कियाँ लेने लगा। फिर मैंने पीर बाबा से कहा, पिछली मुलाकात में मैंने आपकी बात पर गौर नहीं किया था। पीर बाबा ने मुझे खामोश रहने का हुक्म दिया। थोड़ी देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर पीर बाबा ने मुझसे कहा, मैंने तुमसे कहा था कि रात के वक्त तुम्हारी बीवी कमरे में मौजूद होती है कि नहीं, तुम सारी बात मुझे तफसील से बताओ। मैं उनको बताने लगा, ठीक है, फिर रात में अचानक मरियम गायब हो गई। फिर क्या हुआ? उन्होंने बीच में मुझे रोक दिया, मुझसे कहा, मुझे वह बातें बताओ जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताई। मैंने पीर बाबा से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी, तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई, कब हुई, मुझे सब बातें बताओ, कुछ भी मुझसे छुपाना मत। फिर मैंने उन्हें बताना शुरू कर दिया कि कैसे मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था और कैसे मैंने गांव के दाहिने तरफ का जंगल का रास्ता चुना ट्यूशन जाने के लिए, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी मुलाकात मरियम से कैसे हुई, शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ मैंने उन्हें बता दिया। पीर बाबा मेरी बात बहुत ही गौर से सुन रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुमने हर बार मुझे एक बात बताई जो मैंने नोटिस की, कि तुम कभी भी मरियम के घर गए वहां पर तुम्हें एक बिल्ली दिखाई दी। मैंने पीर बाबा से कहा, हाँ। पीर बाबा ने कहा, तुम्हें यह सब देखकर कुछ उस वक्त अजीब नहीं लगा? मैंने पीर बाबा से कहा कि शुरू में तो लगा था, मगर मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता था। फिर पीर बाबा ने मुझसे कहा, अब क्यों यकीन करते हो? मैंने पीर बाबा से कहा, उसके पीछे एक वजह है, वजह है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे औरों के बच्चे के मुताबिक बहुत तेजी से और बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। शुरू शुरू में तो मैंने गौर नहीं किया था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। और मरियम ने तो पहले से ही शर्त रखी हुई है कि ना मुझे कुछ बताएगी और ना मैं उससे कुछ पूछ सकता हूँ। मैंने कभी भी पूछने की कोशिश की, या तो वो गुस्सा हो गई या उसने बात टाल दी, मगर पीर बाबा, उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई है।
वह मुझसे उतनी ही मोहब्बत आज भी करती है जितनी शादी से पहले करती थी। फिर पीर बाबा ने मुझसे कहा, यह हकीकत की बात है कि वह लड़की तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। अगर वह तुमसे मोहब्बत नहीं करती होती तो यकीन मानो तुम उस जंगल से जिंदा वापस नहीं आते। उस जंगल में, उस सुनसान रास्ते में आज तक कोई भी गया वह वापस नहीं आया। तुम पहले ऐसे आदमी हो जो वहां से वापस आया है। ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट ने वहां पर कभी भी कुछ बनवाने की कोशिश की तो कुछ न कुछ हादसा हो गया है, इसलिए कोई भी गांव वाला या शहर वाला वहां पर नहीं जाता। इसलिए वहां पर कोई भी इंसान नहीं है। खेतों और जंगलों के अलावा और वीरानी के अलावा कुछ भी नहीं है। तुमने यह बात कभी नहीं सोची, जिस जंगल में सालों साल कोई भी आदमी भटका ना हो, ना आदमी और ना ही आदमी का जात, वहां पर यह लड़की क्या कर रही थी? क्या कोई इंसान है या फिर कोई और? मैं पीर बाबा की बातें बहुत ही हैरत से सुन रहा था। मैंने बाबा से कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? पीर बाबा ने कहा, तुम अभी अपने घर जाओ, 2 दिन बाद मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा, वहीं सारे मसले हल हो जाएंगे। मुझे कुछ तैयारी करनी होगी, उसके बाद ही मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा, और उसमें मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। और हाँ, तुम्हें अपनी बीवी पर अब इस बात का प्रेशर बनाना होगा कि उसके अब्बा कहाँ हैं। अगर उसके अब्बा वाकई हैं तो आज तक उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? अब तुम जा सकते हो। मैं यह सारी बातें सुनकर घर पर आ गया। घर पर आकर मैंने देखा कि मरियम और अम्मी में फिर से उसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। सर्दी का मौसम था और मरियम ने बच्चों को बारीक कपड़े पहना रखे थे। मैंने घर पर आकर मरियम से कहा, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? अम्मी ने मुझसे कहा कि आज तो हद पार हो गई है अमन, यह लड़की मेरी बात मानती ही नहीं। मैंने मरियम से कहा, क्या प्रॉब्लम है? मेरी अम्मी जो कह रही हैं वह कर दो। मरियम ने मुझसे कहा, यह मेरे बच्चे हैं अमन, मैं इनका मिजाज जानती हूँ। यह सुनकर ही अम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मुझसे कहा, कल रात तेरे अब्बा उसी गांव गए थे जिस गांव में मरियम रहती थी, और इत्तेफाक से उसी गांव के चौधरी से मुलाकात तेरे अब्बा से हुई। तेरे अब्बा ने थोड़ी बहुत पूछताछ की थी मरियम के साथ हुए हादसे के बारे में, मगर उस गांव में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। सच बता बेटा कि यह लड़की कौन है, किस खानदान से है? गांव के चौधरी ने साफ साफ मना कर दिया कि ना तो यहाँ पर मरियम नाम की कोई लड़की रहती है, और ना ही कोई उसका भाई, और ना ही उसका कोई माँ बाप। तूने तो कहा था कि इस लड़की की जान खतरे में है, इसके माँ बाप को मार दिया गया है। हमने सारे गांव वालों से पूछा, सबने इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसा हादसा इस गांव में कभी हुआ ही नहीं। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? कौन है यह लड़की? यह सुनकर मैं दंग रह गया। मेरे दिमाग में भी यह बात कभी नहीं आई थी कि ऐसा भी कभी हो सकता है। जो झूठ मैंने अम्मी अब्बू से बोला था वह कभी पकड़ में भी आ सकता है। यह सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने अम्मी से कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें सब बातें बता दूंगा। यह सारी बातें सुनकर मरियम रोने लगी और रोते हुए कमरे में चली गई। मैं मरियम के पास आया और मैंने मरियम से कहा, मरियम यकीन मानो मैं तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। यह सुनकर मरियम मुझसे बुरी तरह लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उससे कहा, अब छुपाने से कोई भी फायदा नहीं है। मरियम मुझे बताओ, तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? अब मैं घर वालों से झूठ नहीं बोल सकता, मुझे उन्हें सच बताना ही पड़ेगा। यह सुनकर मरियम ने मुझसे कहा, तुम मेरे अब्बा को नहीं जानते हो अमन, वह हमारी शादी को कभी नहीं मानेंगे। मैंने उससे कहा, तुम वह मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे अब्बा को मना लूंगा। यह सुनकर वो रोने लगी और नाराज नजरों से मुझे देखने लगी। उसने कहा, तुम नहीं जानते अमन, मैं आज तक घर से बाहर नहीं निकली तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे अब्बा हैं। मैंने मरियम से कहा, अब हम कर भी क्या सकते हैं? हमने जो झूठ अपने घर वालों से बोला था, घर वालों को हमारी झूठ का पता लग गया है, हमें उन्हें सच बताना ही पड़ेगा। रात भर हम लोगों में इसी बात पर झगड़ा होता रहा और इस बात को 2 दिन बीत गए। फिर हमारे घर पर पीर बाबा आ गए। उन्होंने मरियम को देखा, मरियम ने उन्हें देखकर सलाम किया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। फिर पीर बाबा मेरे माँ बाप से बात करने लगी, पर उन्होंने कुछ भी अभी तक बताया नहीं था। फिर मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि हमें सब पता लग गया है कि यह लड़की तुम्हें उस जंगल के सुनसान रास्ते पर जो घर बना है वहाँ मिली थी।
इसका बाप इसके लिए एक परेशानी होगा, हमें आज ही इसके घर पर जाना होगा, ऐसा पीर बाबा ने कहा है। मैंने यह बात मरियम को बताई। मरियम ने मुझसे बहुत जिद की, मगर मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। उसने मुझसे अपनी शर्तों का हवाला भी दिया, मगर मैंने उससे कहा यह सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। मरियम, घर वालों को हमारी हकीकत का पता लग चुका है, मुझे तुम्हारे अब्बा से मिलना ही पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, एक बात मेरी और मान लो, आज नहीं कल चलेंगे, आज रात तो तुम कम से कम मेरे साथ रह लो। मैं यह बात सुनकर चौंक गया और उसे गले लगा लिया। मैंने उससे कहा घबराती क्यों हो, मैं तुम्हारे अब्बा को मना लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। और उस रात मरियम ने मुझसे बहुत प्यार किया, बल्कि ऐसा कह सकते हो कि टूट कर प्यार किया, और कभी मुझे प्यार करते करते रोने लगती, ऐसा लगता था जैसे कि आज की रात के बाद वह मुझे कभी नहीं मिलेगी। मगर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन हम लोगों में यह तय हुआ कि मैं, मरियम और मेरे माँ बाप और पीर बाबा मेरे साथ चलेंगे। मरियम ने फिर मुझसे कहा एक बार और सोच लो। उसने मुझसे फिर दोबारा मन्नतें करनी शुरू कर दी, मगर मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। मैंने उससे कहा घबराओ मत, शाम तक हम लोग आ जाएंगे। फिर उसने हथियार डाल दिए और हम लोग उस रास्ते की तरफ चल दिए। वही रास्ता गांव के दाहिने तरफ, जंगल का सुनसान रास्ता। मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे उसका घर करीब आता चला जा रहा था, उसके चेहरे पर मायूसी बढ़ती जा रही थी। मैंने आसपास देखना शुरू किया और फिर से वही यादें मेरे तसव्वुर में आ गई कि किस तरह से मैं इसी रास्ते से पहली बार ट्यूशन पढ़ने गया और किस तरह से मेरी मुलाकात मरियम से हुई, वगैरह वगैरह। यह सोचते सोचते मरियम घर आ गया। मैंने जब उसके घर को दूर से देखा, वह बिल्कुल भी नहीं बदला था। जैसा सालों पहले था, वैसा ही आज भी था। उसके घर का दरवाजा बंद था। मैंने मरियम से कहा कि चलो चलते हैं, आवाज लगाते हैं तुम्हारे अब्बा को, हो सकता है वह घर पर ही मौजूद हो। मरियम ने मुझसे कहा अमन रुक जाओ, पहले मैं घर के अंदर जाती हूँ, अगर मेरे अब्बा मुझसे नाराज होंगे तो मैं उन्हें मना लूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आवाज लगाने से पहले वह बाहर आए और कुछ अनहोनी हो जाए। मैंने पीर बाबा को देखा, उन्होंने हाँ में सर हिलाया। फिर मरियम ने अपने अब्बा को 2-3 बार आवाज लगाई, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जब उसने दरवाजा हल्का सा खटखटाया और थोड़ा सा जोर लगाया, दरवाजा खुल गया। वह अपने घर के अंदर चली गई और अंदर जाने से पहले एक बार पलट कर नाराज नजरों से मुझे देखा। जब वह नाराज हो जाती थी तब इसी तरह से मुझे देखती थी। करीब थोड़ी देर तक उसने मुझे देखा जी भर के, फिर वह अंदर चली गई और हम लोग सब बाहर इंतजार करने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, बहुत देर हो गई। फिर मैंने मरियम को आवाज लगाना शुरू कर दी, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इतने में पीर बाबा ने मुझसे कहा कि अंदर से कोई आवाज नहीं आएगी अमन, क्योंकि अंदर कोई है ही नहीं, अंदर कोई रहता ही नहीं। मुझे पीर बाबा की बात सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। पीर बाबा ने कहा अगर यकीन नहीं होता तो थोड़ी देर और इंतजार कर लो। और इंतजार करते करते पूरे 3 घंटे बीत गए थे। मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैंने कहा कि बस बहुत हुआ, अब मैं अंदर जाकर देखने वाला हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं उसके अब्बा ने उसे कमरे में कहीं बंद कर दिया हो। अंदर जाकर मैंने देखा वह घर घर नहीं, पूरी एक हवेली थी। इतने में पीर बाबा भी अंदर आ गए और मुझे देखकर पीर बाबा ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और मैं और पीर बाबा घर के अंदर थे। हमने घर का अंदर का एक एक कोना छान मारा, मगर वहां किसी का वजूद नहीं मिला। सर्दी में मुझे पसीना आने लगा, ऐसे कैसे हो सकता था, मरियम गायब कैसे हो सकती थी, अचानक वह कहाँ चली गई। मैंने पीर बाबा से कहा दोबारा चेक करते हैं। फिर हमने दोबारा चेक किया, घर का हमने ऐसा कोई सा कोना नहीं छोड़ा जहां हम गए ना हो, मगर वहां पर मरियम का और उसके अब्बा का कोई नामो निशान नहीं था और ना ही घर में कोई सामान था। वहां सन्नाटे और बिरानी के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं थक कर बाहर निकल आया और अपना सर पकड़कर बैठ गया कि इतने में वही हुआ जो मेरे साथ होता था। घर के अंदर से एक बिल्ली निकली, वही बिल्ली जो इससे पहले आया करती थी। मुझे बड़ी हैरत थी कि अभी अंदर जाकर हम लोगों ने
एक एक कोना देखा था, तब कोई भी नहीं था। फिर यह बिल्ली, मैं बिल्ली को गौर से देखने लगा। बिल्ली मुझे गौर से देखने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे को गौर से देखने लगे। तभी अचानक मेरे दिमाग को शदीद झटका लगा। उस बिल्ली की आँखें हूबहू मरियम की तरह थी और वह बिल्ली मुझे नाराज नज़रों से घूर रही थी। खुदा की कसम, उसके घूरने का अंदाज बिल्कुल हूबहू वैसा ही था जैसे मरियम मुझसे नाराज हो जाती थी, तो वह इसी अंदाज में मुझे घूरा करती थी। गुस्से में मरियम की आंखें वैसे ही हो जाती थी जैसे कि इस वक्त बिल्ली की थी। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर उस बिल्ली ने पीर बाबा को देखा और वह उन्हें देखकर घुराने लगी। फिर वह बिल्ली मुझे देखने लगी और अब की बार उसकी आंखों में मायूसी थी। खुदा की कसम, उस बिल्ली का देखने का अंदाज हूबहू बिल्कुल मरियम की ही तरह था। तो फिर वह खिड़की पर चढ़ी और अंदर चली गई। इतने में तेज हवाएं चलने लगी, बहुत तेज बारिश होने लगी और अजीब अजीब सी आवाजें जंगल में आने लगी। पीर बाबा ने कहा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलो। मैंने कहा, पीर बाबा मरियम? पीर बाबा ने कहा, सब बताऊंगा तुम्हें, फिलहाल अपनी जान बचानी है तो चलो यहाँ से। पीर बाबा कुछ आयतें पढ़ रहे थे और हम लोग वहां से बहुत तेजी से चल दिए। जैसे ही हम अपने घर पर आए तब हमने देखा कि अम्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और टहल रही थी, हाथ मलते हुए, जैसे उन्हें हमारा ही इंतज़ार था। मैंने अम्मी से कहा, क्या हुआ अम्मी? अम्मी ने कहा कि जैसे ही तुम लोग यहाँ से निकले हो दोनों बच्चे बुरी तरह से रोने लगे। मैंने उन्हें गर्म कपड़े पहना दिए तो वो और ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी ने मुझसे पूछा, मरियम कहाँ है? इतने में पीर बाबा बोले, बच्चे कहाँ हैं? अम्मी ने कहा, अंदर हैं, रो रहे हैं, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने बहुत चुप कराया मगर वह चुप नहीं हो रहे। पीर बाबा बड़ी तेजी से अंदर गए और वह कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। मैंने देखा मेरे बच्चे दहाड़े मार मार कर बुरी तरह से रो रहे थे जैसे कि उन्हें अंदर से कोई बहुत ज्यादा तकलीफ हो। पीर बाबा ने मुझे देखकर कहा कि यह बच्चे नहीं बचेंगे। उनका इतना ही कहना था कि मेरे दोनों बच्चों ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मैं सदमे में था और मैं यह देखकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने पीर बाबा से कहा, मेरे बच्चे? पीर बाबा ने कहा, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। फिर उन्होंने मेरे माँ बाप से कहा कि जितनी जल्दी हो सके इन बच्चों को दफना दो। फिर ऐसा ही हुआ, हम लोगों ने बच्चों को दफना दिया। फिर रात में पीर बाबा ने हम सबको बुलाया। मैं बहुत ही गम और अफसोस में था। पीर बाबा ने मुझे देखकर कहा, जानते हो तुम्हारी बीवी कौन थी? नहीं जानता। मैं बताता हूँ, तुम्हारी बीवी दरअसल इंसानों में से नहीं थी, वह जिन्नातों में से थी। तुमने वहाँ पर एक बिल्ली देखी, यहाँ तक कि आज भी जब वह बिल्ली तुमने देखी तो मुझे बताओ तुम्हें उस वक्त क्या महसूस हुआ। मैंने पीर बाबा से कहा कि पीर बाबा, उस बिल्ली की आंखें बिल्कुल मरियम की तरह थी, उसके देखने का अंदाज बिल्कुल मरियम की तरह था। पीर बाबा ने मुझसे कहा, सच यही है कि मरियम एक जिन्नात थी और तुम्हारे बच्चे भी, आज नहीं तो कल वह मर ही जाते, क्योंकि मरियम जिन्नातों में से थी और तुम इंसानों में से, कोई मेल ही नहीं था। वह बच्चे ना पूरे इंसान थे और ना ही पूरे जिन्नात। अगर बच भी जाते तो आगे जाकर वह दुनिया के लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाते। हमारे दुनिया वाले उन बच्चों को कभी स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनमें इंसानों का असर भी था और जिन्नातों का असर भी। और तुम नहीं जानते बेटा, यह लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं। जब इन्हें गुस्सा आ जाए तब यह कुछ नहीं देखते, वह आग के बने हैं और हम मिट्टी के। तुम खुश नसीब हो अमन कि मरियम तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। आज तक वह अपने घर से बाहर इसलिए नहीं निकली, उसकी एक वजह थी कि जब भी कोई जिन्नात कौम से लापता हो जाता है तो वह उसकी तलाश करने लगते हैं। उसने अपने ही घर में, अगर सही कहा जाए तुम्हारे घर में ही एक दायरा बना रखा था, इसलिए वो लोग उसे आज तक कभी ढूंढ नहीं पाए। और जिस दिन वो लोग उसे ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं वह तुम्हें मार देते, तुम्हारा पूरा खानदान तबाह कर देते। पर अब घबराने की बात नहीं है, अब मरियम यहाँ कभी नहीं आएगी। वह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ गई क्योंकि तुम उसको यहाँ पर लेकर आ गए थे। इसका मतलब यह है कि जहाँ मरियम का घर था वह उनकी दुनिया थी और तुमने उनकी दुनिया में प्रवेश कर लिया था। जब तक तुम उसे अपने साथ आने की इजाजत नहीं देते वह यहाँ पर कभी नहीं आ सकती थी, क्योंकि इन लोगों का भी दायरा होता है बेटा, और वह भी एक दायरे में थी। उनकी दुनिया अलग है
और हमारी दुनिया अलग है। हमारी और उनकी दुनिया में एक प्रकार का दायरा है। तुमने जंगल में जाकर उस दायरे को तोड़ दिया और तुम्हारी मुलाकात उस बिल्ली से हो गई। दरअसल वह कोई बिल्ली नहीं थी, मरियम ही बिल्ली की शक्ल में थी और तुमने उसके ही घर पर जाकर आवाज मारकर उससे पानी मांग लिया और उसने तुम्हें पानी नहीं ठंडा दूध दिया। हमारी और उसकी दुनिया का दायरा उसी वक्त टूट गया था जिस वक्त तुमने वह दूध पिया था। और यह बात भी सच है, अगर तुम वो दूध नहीं पीते तो उस दिन वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाते। हाँ, यह बात सच है कि वह तुमसे सच्ची मोहब्बत करती थी, इसलिए तुम आज तक जिंदा रहे हो और तुम्हारे घर वाले सही सलामत रहे हैं। मगर बेटा, आखिर वह थी तो एक जिन्नात की कौम से, तुम्हारा कोई जोड़ नहीं था। तुम्हें अपनी माँ की बात को मानना चाहिए था, तुम्हें उस जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए था। तुम जब पहली बार मेरे पास आए थे तब मैंने अपने इल्म से यह बात पता कर ली थी कि तुम्हारे साथ जो औरत रह रही है वह कोई इंसान नहीं, जिन्नात थी। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी भी जंगल का नजारा मेरी आंखों के सामने था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ क्या वो सच था या फिर झूठ। अगर जो भी हो, 100% सच था, क्योंकि मैंने उस बिल्ली को बहुत गौर से देखा था। फिर मैंने पीर बाबा से पूछा, पीर बाबा, जो बिल्ली मुझे दिखाई दी थी क्या वह बिल्ली मरियम ही थी? पीर बाबा ने कहा, हाँ, वह बिल्ली मरियम ही थी। तुमने देखा नहीं था जब तुम उसे यानी मरियम से मिलने जाते थे तो सबसे पहले बाहर तुम्हें वह बिल्ली ही मिलती थी और बिल्ली के अंदर जाने से पहले कोई आवाज नहीं आती थी। बिल्ली जब घर के अंदर जाती थी तब मरियम घर से बाहर निकलती थी। इन लोगों को अल्लाह ताला ने ताकत दे रखी है, यह किसी की भी शक्ल ले सकते हैं, जानवर की भी इंसानों की भी, मगर इनकी दुनिया और हमारी दुनिया अलग है। तुम बस एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, हम लोग इंसान हैं, हमारी दुनिया अलग है, उनकी दुनिया अलग है। हमारे और उनके दरमियान में एक दायरा है और जब यह दायरा टूटता है तो कुछ न कुछ गलत होता है। पीर बाबा ने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम्हारी जान बच गई। यह रिश्ता कुछ वक्त तो तुम्हें एक अच्छा एहसास देता मगर आगे जाकर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता। मैंने पीर बाबा से पूछा कि वह कैसे? पीर बाबा ने कहा कि बेटा, जिन्नातों की उम्र बहुत लंबी होती है, उनकी उम्र 800 साल, 900 साल और 1000 साल तक और इससे भी ज़्यादा होती है और इंसान की उम्र 90 या 100 तक। तुम जब बूढ़े हो जाते और मरियम तब भी जवान ही रहती, इसलिए मैंने तुमसे कहा है, उनकी दुनिया और हमारी दुनिया अलग है। फिर वक्त बीतता चला गया, मेरे घर वाले फिर से मेरी शादी की जिद करने लगे और मेरी उम्र 40 साल हो गई। फिर मेरी अम्मी बहुत ही बूढ़ी हो गई थी, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, जो कुछ भी हुआ वह तेरी तकदीर में लिखा हुआ था, उसको भूल जा और दूसरी शादी कर ले। मैंने ना चाहते हुए भी हामी भर दी और दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी बीवी भी बहुत ही खूबसूरत थी, वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर वक्त बीतता चला गया और इसी बीच हमारे दो बच्चे हुए, दोनों जुड़वा। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैंने अपनी बीवी से कुछ भी नहीं छुपाया, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने सारी हकीकत बयान कर दी, क्योंकि अब मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता था और किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता था, और जिसके साथ मुझे ज़िंदगी बितानी थी उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। शादी से पहले मैंने सारी बातें अपनी बीवी को बता दी थी और पूछ लिया था कि यह सारी बातें सुनने के बाद अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो ठीक है। मेरी बीवी ने मेरी सारी बात मान ली थी, उसने यही कहा था कि तुमसे जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मेरी बीवी को मेरी सारी हकीकत मालूम है, कभी कभी वह उसी अंदाज में मुझे देखती है मुझे डराने के लिए और मैं किसी बच्चे की तरह कांप जाता हूँ। आज भी मुझे सुनसान जगह पर जाने से डर लगता है और सबसे ज़्यादा डर लगता है मुझे किसी काली बिल्ली से। मगर मैं अंदर ही अंदर एक बात आज भी सोचता हूँ, आज भी मेरे दिल के कोने में डर भी है और मोहब्बत भी। वह जिन्नात थी या कुछ और थी, पर वह मेरी पहली मोहब्बत थी। सही मायनों में अंदर ही अंदर मेरे दिल में आज भी उसके लिए मोहब्बत है। पीर बाबा ने मुझसे कहा था कि अब वह मेरे सामने कभी नहीं आएगी, क्योंकि वह अपनी दुनिया में जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। और साथ में मुझसे यह भी कहा था कि अब कभी भूल से भी उस गांव के दाहिने तरफ के रास्ते से जंगल की तरफ मत जाना। काश मैं अपनी माँ की बात मान लेता। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, बेटा, गाँव के दाहिने तरफ जो रास्ता जाता है जंगल का, उस रास्ते पर कभी मत जाना।
तो दोस्तों कहानी यहाँ ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके बताइए। और इस कहानी के लेखक हैं कासिम अंसारी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली मेरी एक भी कहानी को आप मिस ना कर सको। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।